परम वंदनी यतिचक्र चूड़ामणि व्यासपीठ पर विराजमान जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य सद्गुरुदेव के श्री चरणों में मैं आप सभी संत समुदाय और साधकों की ओर से कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूं। वीरभूमि राजस्थान में श्री राम सनेही संप्रदाय के पूज्य संत मेड़ता पीठाधीश्वर महंत श्री रामकिशोर दास जी के पावन सानिध्य में पूज्य संत स्वामी उदय राम जी के सत्संकल्प से आहूत श्रीमद् भागवत कथा के इस लोक कल्याणकारी अनुष्ठान में पधारे समस्त पूज्य संतों एवं दृश्य अदृश्य सकल दैवीय सत्ता को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी साधक समूह का अभिनंदन करता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा के आरंभ होने से पूर्व मैं स्वागत उद्बोधन के लिए कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष आदरणीय जयंती लाल जी का आह्वान करता हूँ कि वो मंच पर आएं और एक दो मिनट में संक्षिप्त में स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। जय सियाराम। व्यासपीठ पर विराजमान परम वंदनीय परम श्रद्धेय जूना अखाड़ा पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित साधु समाज के गौरव स्वामी श्री अवधेशानंद गिरिजी महाराज के श्री चरणों में सभी साधकों व श्रद्धालुओं की तरफ से सागवाड़ा की धर्म धरा पर कोटि कोटि नमन एवं वंदन करता हूं। कथा में उपस्थित पूज्य संतों साधकों आचार्य जी के साथ उपस्थित संगीतकारों धर्म प्रेमी माताओं पिता तुल्य बुजुर्गों भाइयों बहनों एवं बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कथा में उपस्थित
लोकतंत्र के आधार स्तंभ समस्त इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया साथियों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हम अत्यंत आभारी हैं कि यह कथा सरल हृदय के स्वामी मेड़ता पीठाधीश्वर महंत श्री रामकिशोर जी महाराज के पावन सानिध्य में संत श्री उदय राम जी महाराज प्रभुदास धाम राम द्वारा सागवाड़ा द्वारा आयोजित की जा रही है। अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि हमें संत कृपा से पूज्य सदगुरु के श्रीमुख से सागवाड़ा की इस पावन धर्मधरा पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सुनहरा महान अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं संत श्री उदय राम जी का क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। पूज्य आचार्य जी के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। पूज्य आचार्य जी श्री ने 12 लाख से भी अधिक नागा साधुओं को दीक्षा प्रदान की है। न केवल शास्त्र की बल्कि शस्त्र के साथ ये दीक्षा आचार्य श्री के द्वारा प्रदान की गई है। पूज्य आचार्य श्री ने उनके सभी नागा साधुओं के ये प्रथम गुरु हैं। ऐसे साधु समाज के गौरव अंतरराष्ट्रीय संत श्री का सागवाड़ा की धरती पर पधारना हमारे लिए बहुत बड़े गौरव का विषय है। कहते हैं जब भगवान को किसी जीव के कल्याण का मार्ग सूझता है तब उस जीव के जीवन में वे संत अथवा महापुरुष को भेज देते हैं, तो अवश्य ही यह सुअवसर जो हमें मिला है वह हमारे पुण्योदय का प्रतीक है जो कि हमारे ज्ञान चक्षु खोलने में सहायक होगा एवं हमारे जीवन को नई दृष्टि प्रदान करेगा। अंत में सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं टेंट व्यवसायी एवं आचार्य श्री के सेवा के लिए समर्पित बाहर से पधारे सभी भक्तजनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके बिना इतनी सुंदर व्यवस्था संभव नहीं थी। जय श्री कृष्ण। स्वागत उद्बोधन के पश्चात मैं भगवान के नित्य शब्द विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के पोथी पूजन के लिए श्री मेड़ता पीठाधीश्वर इस पीठ के संस्थापक श्री दरियाब जी महाराज पूज्य स्वामी दरियाब जी महाराज पूज्य स्वामी श्री रामकिशोर जी महाराज बड़े साध श्री स्वामी राम जी महाराज पूज्य राम प्रकाश जी महाराज अजमेर श्री राम निवास जी शास्त्री उत्तराधिकारी मेड़ता श्री दयाराम जी उदयपुर पूज्य स्वामी राम प्रकाश जी बांसवाड़ा आप सभी का विनम्रता पूर्वक आह्वान करता हूं कि आप मंच पर आकर भगवान के नित्य विग्रह श्रीमद् भागवत का पोथी पूजन करें। यजमान आदरणीय ईश्वरलाल जी का भी आह्वान करता हूं कि वो भी पोथी पूजन के लिए मंच पर आए। Thank you.
करोति वाचम्। पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वीधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ॐ विश्वानि देवि सवितरि दुरिता परशुभ यदभद्रं तन्नया शुभ शांति शांति हो। कल्याणी वीर प्रसूता शौर्य पराक्रम पुरुषार्थ के लिए ख्यात धर्मधरा राजस्थान की यह वाग्धरा वाग्वर वागड़धरा हमें अत्यंत श्रेष्ठ संस्कार संपन्न समृद्ध सागवाड़ा में वैदिक सनातन हिंदू धर्म संस्कृति उसके दिव्य संस्कार अनुपम संवेदनाएं आर्ष परंपरा ज्ञान भक्ति उपासना निष्काम कर्म आदि जहां से नित्य संवर्धित संरक्षित हैं ऐसे रामस्नेही संप्रदाय की उज्ज्वल नक्षत्र मेड़ता पीठाधीश्वर परम वंदनीय पूज्य संत श्रोमणि रामकिशोर दास जी महाराज श्री चरण उन्हीं के वाम पार्श्व में विद्यमान पूज्य यति संत वृंद भक्तिमती मातृशक्ति और संस्कारवान सभ्य शिष्ट श्रोता समूह में साधक बंधु भगनियों
पूज्य संत उदयराम जी महाराज की सत्प्रेरणा और उनके गुरुदेव के आशीष अनुग्रह से कलिकलुष विभंजनी मंगलकरणी सकल रस रंजनी भ्रम भय भव तारणी आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रैताप विनाशनी मोक्षदा कल्याणी श्रीमद् भागवत की है दिव्य श्री हरि कथा। इसमें आपके सद्गुण संस्कार और आपके सत्संकल्प से यह एक अनुपम दिव्य वातावरण इस सब के साथ साथ सूक्ष्म रूप से देव उपस्थिति इस संपूर्ण दिव्यता के प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए कल्याण के मार्ग अनेक हैं। नान्या पंथा विद्यते अनाय, जैसे अनेक सलिलाएं सरिताएं भिन्न भिन्न मार्गों से अपनी पूर्णता और सत्यता के लिए सागर की ओर जा रही हैं और वे अंततः सागर में ही लीन होकर सागर का ही रूप बन जाती है। वे निर्जर प्रपात छोटी नदी या नद रूप धारण कर अपनी प्रवाहमानता से अपने सतत सातत्य से वो सागर में ही मिल जाती है और सागर बन जाती है। वैसे ही अनेक साधन पद्धतियां विधियां भिन्न भिन्न होकर भी उनमें विभिन्नता विभिन्नता वैविध्यता रहती है संप्रदाय भेद से, पर अंततः वे सब ईश्वर को ही उपलब्ध होती है। एक ही ब्रह्म सर्वत्र विस्तृत है नाना रूपों में। जो अनेकता है वो प्रकृति के कारण है और वह ईश्वर का वैशिष्ट ही है, यह भगवान की विशिष्टता ही है कि वो एक होकर अनेक दिखते हैं। धरती अंबर अग्नि जल वायु निहारिका नक्षत्रों में पेड़ पादप वनस्पति विविध आकृतियों में काल बनकर समय की विविध अवस्थाओं में अनेक रूपों में वो एक ही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, कोई एक ब्रह्म अनेक होकर दिखता है पर वो एक ही है। अनेक रूपों में वो एक ही है, अनेक रूप रूपाय, रूप अनेक है पर वो एक ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म खलु इदम ब्रह्म, वो एक ही है जो कुछ दिखाई देता है। अहम इदम सर्वम के रूप में भी ईसावास्य इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत, यत किंचित जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है अनुभूत हो रहा है वो आरोपित है कल्पित है भासित है, वो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया में भोर दोपहर सायं रात्र पुनः प्रभात में
वो अनेक ऋतुओं में, वो एक पल विपल अथवा घड़ी मुहूर्त प्रहर और दिवस रात में अथवा पक्ष और मास अथवा संवत में वो एक ही है, वो एक अनंत है, अव्यय है। उस एक को कहा गया कि वो सनातन है, शाश्वत है, वो समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन और सामायिक है, हर पल नित्य है, नूतन है, उसका अभाव नहीं है क्योंकि वो सत्य है। अभाव उस वस्तु का होता है जो सत्य नहीं होती। जिसमें परिवर्तन की संभावना है, जैसी सोची थी वैसी नहीं दिखी, उसमें अभाव रहता है, उसे मिथ्या भी कह सकते हैं। यद्यपि मिथ्याकर्त झूठ नहीं है, पर मिथ्याकर्त सत्य भी नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मिथ्याकर्त या झूठ नहीं है, इसका अर्थ है कि जैसा हम कल्पना कर रहे थे वो नहीं है, दिख नहीं रही है, कई बार होते नहीं, पर इस समय भी जो है वह ईश्वर ही है और वह अनंत है। वो सहस्त्र रूपों में, नमोस्तु नंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादा किशोरुवाहवे, नमोस्तु नंताय। इसलिए हमारे यहां पहले प्रणाम है अनंत को, उस अच्युत को, जो सर्वोच्च है। इसलिए हमारा लक्ष्य भी एक यही है कि वो हम को अनुभूत हो सके। हम मनुष्यों का लक्ष्य यही है, सर्वोपरि लक्ष्य यही है कि हम सत्य को अनुभूत कर सकें, यथार्थ को उपलब्ध हो सकें, हम वास्तविकताओं को जान सकें। और जब तक वास्तविकताएं जान नहीं ली जाती, तब तक दुख रहता है, भ्रम भय रहता है, अशांति क्लेश रहती है, क्लेश रहता है, नाना प्रकार के दुख तभी तक हैं जब तक हम सत्य को उपलब्ध नहीं हो जाते। बिना भगवान के अभाव बने ही रहते हैं। भगवान को उपलब्ध होकर अथवा उनके दर्शन कर अथवा उनके यथार्थ को जानकर जीव शांत हो जाता है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, फिर वो शांत हो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानो, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि फिर दृष्टा शांत हो जाता है। प्रशांत वाहिता संस्कारात, फिर कोई संस्कार ऐसा नहीं रहता कि दुख रहे, भ्रम रहे, भय रहे, फिर वो कोई उद्वेग नहीं रहता, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं रहती, दुख नहीं रहता। और चूंकि दुख है, शास्त्र कहते हैं आत्यंतिक दुख की निवृत्ति के लिए तो सारे प्रयत्न हैं। हमारे प्रयत्न किस लिए हैं? कि दुख न रहे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म और मृत्यु के बीच में दुख ही दुख तो है। जीव जब जन्म लेता है, बालक जब जन्म लेता है तो रोता है, इसका अर्थ कोई दुख। जन्म देने वाली माता भी पीड़ित है प्रसव की पीड़ा में, इसका अर्थ है कोई दुख तो है जन्म देने में, जन्म लेने में। दुख दोषानुदर्शनम अनुदर्शनम, एक बार दर्शन तो करें, हम विचार तो करें कि जगत में दुख है। इसलिए इस दुख की निवृत्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए आनंद हमारा अनुभव बने, जीवन में पूर्णता मिले, कोई अभाव न रहे, इसलिए सारे साधन हैं।
इसलिए सभी साधन है। भगवान अनंत है, नमोस्तु अनंताय। जब हम अनंत को उपलब्ध होते हैं तो हम भी अनंत हो जाते हैं। उसे पाकर जानकर फिर हम वही हो जाते हैं। स्वरूप के बोध के बाद, अपने सत्य को अनुभव करने के बाद, फिर वही तो हो जाते हैं हम। तत्त्वमसि वही तो हो जाते हैं हम। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, उनके महावाक्य इसी प्रकार के हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, आयम आत्मा ब्रह्म। उसे जानकर हम वही हो जाते हैं। तुम्हें जान तुम्हें हो जाए, फिर उसको उपलब्ध हो जाते हैं। फिर हम, हमारे यहां स्थितियां बताई कि उसे वो जब मिल जाए तो क्या होता है। उन मुक्तियों की चर्चा है, सालोक्य, सारूप्यता, सायुज्यता, कैवल्य। जब ये पता लग जाए कि मैं देह नहीं, मन बुद्धि चित्त चेतना नहीं, विचार नहीं, मैं काय कलेवर नहीं हूं, ये मेरा हाथ है ये मैं नहीं हूं, ये मेरा मस्तक है ये मैं नहीं हूं, ये मेरे कान हो सकते हैं मैं नहीं हूं, ये मेरी नासिका हो सकती है मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, ना अहम। आद्य शंकर भगवत पाद भगवान शंकराचार्य यहां से कहते हैं मैं ये नहीं हूं, ना अहम। तो दुख मिटाने के लिए वो यहां से आरंभ करते हैं कि ये मैं नहीं हूं। देह, मन, प्राण, चित्त, विचार, प्राण मैं नहीं हूं, मुझ में प्राण आते हैं जाते हैं, मैं सांस लेता हूं छोड़ता हूं, हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, हम सांस नहीं है। कितनी बार हमने नई सांसें ली और छोड़ दी, अवस्था भी मैं नहीं हूं। कभी बाल्य अवस्था है, कभी कैशौर्य है, कभी तरुणाई है, कभी यौवन है, यौवन के बाद अभी वार्धक्य के बुढ़ापा आया नहीं है, उसके बीच की अवस्था है प्रौढ़ता, मैं प्रौढ़ भी नहीं हूं, मैं रोगी नहीं हूं, शरीर में रोग हो सकता है मुझ में नहीं, वार्धक्य के देह में होगा मुझ में नहीं, मैं बूढ़ा नहीं हूं, ना अहम। दुख को मिटाने के लिए ज्ञान यहां से आरंभ करता है, ना अहम, फिर मैं क्या हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं अजय हूं, अनंत हूं, अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, देह नहीं है, देह में विकार है, देह मिटती है, देह में परिवर्तन, मुझ में परिवर्तन नहीं, इस जगत में परिवर्तन है, जगत परिवर्तनशील है, मैं परिवर्तनशील नहीं हूं, मुझ में कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं है। ज्ञान से ये जान लेने के बाद फिर दुख कहां, ज्ञाते तत्व का संसार है, ज्ञाते तत्व का संसार, फिर संसार रहता कहां है। या कि भक्ति में भी हम जब भगवान के हो जाते हैं तब उनका ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, उनकी अनंतता, वे अनंत हैं, उस अनंत के भी हम अधिकारी बन जाते हैं, फिर भय कैसा। अब ज्ञान से चले या भक्ति से, निष्काम कर्म योग से, फलश्रुति एक जैसी ही है।
आध्यात्मिक साधनों में भ्रम भय निवृत्ति के लिए बड़े साधन बताए, पर सनातन संस्कृति में उत्तम कोटि का साधन श्रवण है। भद्रम कर्णे विश्वयाम देवा, वेद कहता है कि सबसे उत्तम कोटि का कोई साधन है तो वह है सुनना, श्रवण, श्रवण मंगलम। भद्रम कर्णे भी सुनयाम देवा, शास्त्र कहता है कि कुछ अच्छा सुनो। वेद का आदेश है कि पहले श्रवण कीजिए, श्रुति का आदेश ही है कि पहले सुनो। माता पिता की, गुरु की, आचार्यों की, संत सत्पुरुषों की, विज्ञ पुरुषों की, उनकी जो ब्रह्मोपलब्ध है, सत्योपलब्ध है, उनकी जो साक्षात्कार संपन्न है। इसलिए हमारे यहां पहला कोई संस्कार है तो सुनने का है, श्रुति सुन। इसे साधन चतुष्टय सिद्ध होने के बाद साधक गुरु के पास जाता है, अथवा तो सामान्य बालक भी मां और पिता से कुछ सुनता है। शिष्टाचार, लोकाचार, कुलाचार, सभ्याचार, शौचाचार आदि सब माता पिता से सुनकर ही तो हम सीखते हैं। वो बताती रहती है मां गुरु के रूप में, शौचाचार, शिष्टाचार, कुलाचार, लोकाचार, सभ्याचार। आचार्य हीनम न पुनन्ति वेद, छोटे से बालक को आचार विचार सिखाए जाते हैं, उसे बताया जाता है कि किस प्रकार के आचार विचार है। पहले शौचाचार, शिष्टाचार, कुलाचार, लोकाचार, सभ्याचार, सदाचार सुनाया जाता है। वो पहले अक्षर सुनता है, अंक सुनता है, फिर लिखता है। श्रवण पहले है, पहले बोलना नहीं है, लिखना नहीं है, सुनना है। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा ही आता है, चतुश्लोकी भागवत भगवान ने सुनाई ब्रह्मा को। ये सनातन बीज है, ईश्वर का बीज ही श्रवण से होता है। श्रवण माने नाद से, अनहद से वो बीज जगता है। नाद में प्रकाश है, शब्द ब्रह्म है। अभी जो आप साधन करने जा रहे हैं वो श्रवण ही करने जा रहे हैं। देवाधिदेव महादेव ने भी भवानी के शंका का समाधान करने के लिए जब कथा सुनाई तो ये कहा उन्होंने कि सावधान होकर सुनना, सजग होकर, चैतन्य होकर, अप्रमत्त होकर। इसे श्रवण में सावधानी चाहिए, चैतन्यता चाहिए, अप्रमत्तता चाहिए। आप अप्रमत्त नहीं है तो सुन नहीं पाएंगे। सुन तो रहे हो पर सुनने के लिए अधिकारी कैसा हो, अप्रमत्त, प्रमाद न हो। श्रवण में आप अप्रमत्त रहे, प्रमाद न हो, और ये सबसे बड़ा शत्रु है। जो प्रमाद है, आलस्य बड़ा शत्रु है। इसे शास्त्र का निर्देश है कि श्रवण में प्रमाद न रहे, आलस्य न रहे, जड़ता न रहे, सावधानी रहे, विवेक को संभाल कर रहे रखे। प्रणवौ धनु सरोही आत्मा ब्रह्म तरु लक्ष्यम उच्चते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवे। ये वेद वाक्य है, श्रुति भगवती ऐसा कहती, उपनिषद ऐसा कहते हैं। प्रणवौ धनु सरोही आत्मा ब्रह्म तरु लक्ष्यम उच्चते। मंत्र तो बड़ा अलग प्रकार का है ये, लेकिन इसमें अप्रमत्तता की बात इसलिए कह रहे हैं, अप्रमत्तेन वेदव्यम। जो प्रमादी है वो तो नहीं इसका भेदन कर सकता,
इसलिए अप्रमत्त होकर, जड़ता को त्याग कर, आलस्य को त्याग कर, प्रसन्न होकर, चहकते हुए, उल्लसित होते हुए, उमंग के साथ, वह सहज होते हुए, निर्भर होते हुए, निश्चिंत होते हुए, एकदम आनंद में बैठिए, सीधे होकर बैठो, मेरुदंड सीधा कीजिए, एकदम सीधे बैठिए, सहज होकर बैठिए। अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवे, तन्मय होकर बैठो, उल्लसित होकर बैठिए। श्रवण में भी ये बात कही गई कि हम आनंदित होकर बैठे, श्रद्धा के साथ बैठे, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसके बिना दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, उनके बिना नहीं समझ आएगा, श्रद्धा और विश्वास के बिना। श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम, ये पतंजल सूत्र है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इनके बिना कुछ हाथ नहीं लगने वाला, कुछ हाथ नहीं लगेगा। अहलौकिक पारलौकिक सारी अनुकूलताएं बहुत दूर हैं उस व्यक्ति से जिसके पास श्रद्धा नहीं। इसे पहले श्रद्धा भी रखी जाए, श्रद्धा श्रद्धा होनी चाहिए साधन के प्रति, गुरु के प्रति, साधन के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा, ग्रंथ के प्रति श्रद्धा रखिए। श्रद्धा में आप में आर्द्रता आएगी, आप हल्के हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे। श्रद्धा आपको निश्चिंत करती है, आपके भार को छीनती है, आपको सहज बनाती है। श्रद्धा श्रद्धा के साथ बैठे, विश्वास के साथ बैठे। गीता अनुपम ग्रंथ है, भगवान की वाणी गीता है। श्रुतियां स्वयं भगवान की प्रज्ञा मेधा ऊर्जा रितंभरा, उसके बिना उसे जाना नहीं जा सकता। पर श्रीमद् भागवत तो स्वयं भगवान है। जो हमारे सामने ये ग्रंथ है, ये वांग्मय विग्रह है भगवान का। हम मूर्ति पूजक हैं, उपासक हैं, हम भारत के सभी प्राणी। भारत क्या, संसार का प्रत्येक प्राणी बिंबोपासक है, प्रतीकोपासक है। हम किसी न किसी प्रतीक की उपासना तो करते ही हैं, प्रतीक की, चिन्ह की, दिशाओं की, ग्रंथों की, गुरुओं की वाणी या कि उनकी प्रतिमा। बिना किसी आधार के तो हम उपासना करते ही नहीं, कोई आधार तो चाहिए। कोई ध्वजा को आधार मानते हैं, कोई ग्रंथ को, तो कोई दिशा को ही आधार मानते कि इसी दिशा की ओर मुंह करके प्रणाम करना, हमारी प्रार्थनाएं इसी दिशा की ओर होंगी। तो ये तो स्वयं भगवान है। भागवत भगवान का वांग्मय विग्रह है, भागवत भगवान का शब्द विग्रह है। ये शब्द प्रतिमा है और शब्द अनादि है, अनंत है, शब्द ब्रह्म है। शब्द में दोनों चीजें होती हैं, शब्द वेधक और बोधक दोनों होता है। शब्द से बोध भी होता है और वेधक भी होता है, वो घायल भी कर देता है। मारक भी होता है शब्द, पर ये जो शब्द हैं इनमें रस है, आनंद है, इसे इन्हें ध्यान से श्रवण करें। महापुरुषों की बात सुनी नहीं जाती, कथा सुनी नहीं जाती, कहते हैं उसका पान किया जाता है। पेयम पेयम श्रवण पुटके रामान
रामाभिरामं धेयं धेयं सतत मनसा तारकं ब्रह्मस्वरूपं। शास्त्र कहते हैं ये जो नाम है राम नाम, ये जो नाम है, ये जो कथा है, ये श्रवण के लिए नहीं है, सुनने के लिए तो संसार की बातें हैं, कहानी किस्से हैं, कहानी सुनी जाए, किस्से सुने जाए, जागतिक चर्चा सुनी जाए, लौकिक अलौकिक बातें सुनो, पर ये तो पी जाएगी, ऐसा कहते हैं महापुरुषों का कहना है पेयम पेयम श्रवण पुटके, कथा को कान से पिया जाए, इतना आदर देने की बात है कथा के लिए। क्योंकि ये स्तुत्यात्मक है, उपदेशात्मक है, रसात्मक है, घटनात्मक है, जपात्मक है, ध्यात्मक है, लयात्मक है, ये है क्या? आरंभ में तो उपदेश जैसे ही दिखाई देते हैं, तो कहा गया उपदेशात्मक है, और जीवन की पहली मांग उपदेश ही है, बिना उपदेश के उत्थान नहीं होता, बिना उपदेश के उन्नयन उत्कर्ष नहीं होगा, बिना उपदेश के विकास नहीं होगा। ऐसा कहते हैं ये स्तुत्यात्मक है, भगवान की स्तुति कैसे करें, और ये किसका अर्थ है बोले कैसे, स्तुत्यात्मक है। घटनात्मक है, जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, जो कुछ घटित हुआ है पूर्व में और अब, उसका बोध कराती है कि भूतकाल कैसा था, पूर्व में था क्या, कल आपका क्या था, उससे आप कैसे शिक्षित हुए, कल से आपने सीख क्या ली है आने वाले कल के लिए, जो भूतकाल था वो कैसा रहा और भविष्य कैसा होगा। घटनात्मक है ये कथा और गीतात्मक, इसमें गीत है, ये जीवन का मधुर गीत है, कथा जीवन को गीत बनाती है, जीवन को सहज बनाती है। गीत गीत माने गीता, हंस गीता, कपिल गीता, गोपी गीत, वैणु गीत, भ्रमर गीत, गीत इसमें अनेक गीत भी। गुरुजनों का स्मरण कर सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमाम रामानंदाचार्य मध्यमाम दर्याव स्वामी मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। जो हमारे आचार्य हुए उन सबको प्रणाम। भगवत पादाचार्य, भगवान शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य अथवा तो दर्याव स्वामी और जितने भी अन्य आचार्य, अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। गुरुजनों का स्मरण करते हुए गिरिकंदरा उपत्यकाओं में बैठे हुए ऋषि मुनियों का स्मरण करते हुए हमको शुभ करें। आत्म विषयक, ब्रह्म विषयक भगवान के संबंध में की गई बातें शुभ मानी गई। वेदांत श्रवण करते हुए हमने ज्ञान की सप्त भूमिकाओं में पहले सुना शुभेक्षा। हमारी संस्कृति कहती है शुभ की इच्छा करो, शुभ शुभ बोलो, कुछ शुभ करो, शुभ कीजिए, भगवान से बड़ा शुभ क्या होगा, भगवान की चर्चा से बड़ी और क्या शुभता होगी, क्योंकि शुभता में पवित्रता है, दिव्यता है, पूर्णता है। शुभेक्षा, शुभ की इच्छा पहले करें, सत्य क्या ये जानने की इच्छा ही शुभ की इच्छा है। शुभेक्षा,
कथा के बिल्कुल आरंभ में अगर कथा के सूत्र को ढूंढें तो हिमालय का दृश्य उपस्थित होता है, नर नारायण पर्वत के मध्य में सरस्वती अलकनंदा का संगम अद्भुत, और वहीं महर्षि वेदव्यास, कुछ थोड़ी दूर पर सनकादिक घाट, उर्वशी पीठ, भैरवी चक्र, भगवान नारायण का आश्रम, बद्र का आश्रम, विशाला नगरी जहां लक्ष्मी बदरी बनकर भगवान की सेवा में समर्पित हो गई, बदरी बेर को कहते हैं, हिम वनस्पति, हिमालय की दिव्य वनस्पति बदरी, बदरी संस्कृत भाषा में बेर को कहते हैं, बेर बनकर बदरी माने कुछ वनस्पतियां बनकर लक्ष्मी प्रकट हुई, भगवान नारायण तप करने के लिए आए हैं, हम उनकी सेवा में रहें, इसलिए वो बद्रीनाथ, बद्र का आश्रम जहां नारद का श्राप मिट जाता है, जहां नारद 6 महीने सेवा करते हैं भगवान की, जहां भगवान की सेवा में स्वयं उद्धव गरुड़, जहां भगवान की सेवा में अनेक देवगण, वहां के क्षेत्रपाल, घंटाकर्ण आदि, ऐसे अनेक ऋषि मुनि उसी बद्र का आश्रम में अलकनंदा और सरस्वती के तट पर, ऐसे कहीं सरस्वती के किनारे महर्षि वेदव्यास नारद की प्रेरणा से ऐसा करते हैं। नारद की प्रेरणा से कृष्ण द्वैपायन, महर्षि वेदव्यास को नारद की प्रेरणा मिली, उद्भवं ब्रह्मसेना कश्चित् श्रोतु माम्, मैं दोनों भुजाएं उठाकर कहता हूं मेरी कोई सुनता नहीं है। देखो महाभारत का युद्ध हुआ और तब वह कुछ चिंतित से हैं, नारद उन्हें प्रेरित करते हैं, अब श्रीमद् भागवत के उस महाभाव को लिपिबद्ध करते, नारद अपने मन से कुछ नहीं करते, क्योंकि नारद भगवान का मन है, मानस है, जो कुछ भी नारद के द्वारा होता है वह भगवदीय प्रेरणा, वह भगवदीय संकेत, क्योंकि नारद स्वयं में कुछ नहीं है, नारद भगवान के मानस हैं, मन है भगवान का, भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी कि मुझे प्रकट होना है रस रूप में, आनंद रूप में, उत्सव के रूप में, ज्ञान के रूप में, निष्काम कर्म और भक्ति के रूप में, मैं वैराग्य रूप हूं, मुझे मूर्तिमंत होना है, साकार होना है, इसलिए भगवान की प्रेरणा नारद और नारद से महर्षि वेदव्यास लिपिबद्ध करते हैं। अब वो लिखने बैठ गए, भागवत का ये पहला श्लोक महात्मा का, सच्चिदानंद रूपान विषुत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः नमः। सच्चिदानंद रूपाय विषुत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। श्रीकृष्णाय वयम् नमः। श्रीकृष्णाय वयम् नमः। श्रीकृष्णाय वयम् नमः। श्रीकृष्णाय वयम् नमः। भागवत का आरंभ
इसी श्लोक से होता है, भगवान सदघन चिदघन आनंद घन है, वे सत्य हैं, आद्य सच, वो आद्य में सच ही है, वो सत्य हैं। सत्य नित्य विद्यमान सत्ता है जो नित्य रहती है, जिसका अभाव नहीं होता उसी को सत्य कहते हैं, जिसमें कोई विकार नहीं है, परिवर्तन नहीं है। भगवान सदघन है, नित्य चेतना है उनमें, वो नित्य स्फुरित है। इसे जो ऊर्जा है ये सत्य के साथ चिदघन, और उसमें कहीं कोई न्यूनता नहीं, अभाव नहीं, भय नहीं, विकार नहीं, वो आनंद स्वरूप है। इसलिए भगवान का पहले नाम भागवत में आता है सच्चिदानंद। भगवान की कथा भगवान के नाम से ही प्रकट होती है, सच्चिदानंद। कथा के आरंभ में आया है सच्चिदानंद, भगवान सच्चिदानंद है, भगवान सत्य है, आनंद स्वरूप है, उनमें उमंग है, उल्लास है, नित्य नव विकास है, नित्य नित्य विकास, हिरास होने पर भी विकास है, विकास के बाद अंत जैसा दिखता है फिर भी अनंत है, अनंत, वो अनंत है। सच्चिदानंद रूपा भगवान का परिचय दे रहे हैं महर्षि वेदव्यास भागवत के माध्यम से कि वो हैं कौन। सच्चिदानंद है वो, करते क्या है, विश्वत्पत्यादि तबे सृष्टि स्थिति लय या संहार, नाना प्रकार के प्रकार, बहुविधता वैविध्यता विचित्रता सृष्टि में, विश्वत्पत्यादि तबे, विश्व की उत्पत्ति, इसमें विकास ह्रास अंत अनंत सब वही है, चूंकि यहां दिखता है ना कोई विकास है, विकास के बाद फिर ह्रास दिखता है, ह्रास के बाद अंत है, अनंत है, अनुग्रह है, त्रोधान के बाद अनुग्रह वही है इस सृष्टि के मूल। अब सृष्टि की बात चल रही है संसार की, तो संसार में तीन दुख भी है, तापत्रय विनाशाय, जगत की बात आई तो जगत में दुख बताए, तीन दुख है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम की कृपा से वो किसी को व्याप्ता नहीं है, माने उससे कोई व्यथित नहीं होता, उसके विनाशक हैं भगवान स्वयं, तापत्रय विनाशाय, अगर ताप है भी तो उसके विनाशक हैं वो। कथा के आरंभ में कृष्ण की बात है, वो राम ही है, नरसिंह ही है, वो ब्रह्म ही है, लेकिन यहां चूंकि महर्षि वेदव्यास उनका उल्लेख कर देते हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः, आओ ने प्रणाम कर लें मिलकर, वयम करते आओ मिलकर हम सब, इसका अर्थ है ये कथा बड़ी पारमार्थिक है। हिमालय में अकेले महर्षि वेदव्यास हैं, कोई है नहीं पास उनके, फिर भी वो कहते आओ मिलकर प्रणाम कर लें, आओ मिलकर, आनो भद्र, सभी ओर से जो दिशाओं, सभी दिशाओं से जो विचार आ रहे हैं, शुभता रही, आओ मिलकर, एकजुट होकर, इकट्ठे होकर, सहना भवतु सहनो भुनक्तु, एक साथ मिलकर, संगच्छद्वम संवदद्वम सबो मनांसि जानताम, आओ मिलकर
इस कथा में ऐसा आता है कि पहला श्लोक ही बड़ा अद्भुत है। तो जितने ताप हैं वो उनके अनुग्रह से मिट जाते हैं। दुर्लभम त्रयमेव, जगत में तीन चीजें दुर्लभ बताई हैं। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि तीन चीजें दुर्लभ हैं, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। और ये तीनों चीजें किसी एक से मिलती है, कोई एक है इनको देने वाला। देवानुग्रह हेतुकम, हम कथा में चल रहे हैं पर बहुत महत्वपूर्ण बात सुनिए आप। शास्त्र कहता है देवानुग्रह हेतुकम, देवताओं के अनुग्रह से, ईश के अनुग्रह से, भगवान के अनुग्रह से आपको ये तीन चीजें मिली हैं। क्षमा कीजिए, इसमें मानवीय उद्यम नहीं है। प्रतीत होता है कि माता पिता ने हमें देह दी है, ये दिखता तो है कि ये देह माता पिता से मिली है, माता पिता के रज वीर के संयोग का ये परिणाम। कभी कभी तो कुछ ऐसा भी लगता है कि शुभाशुभ कर्म फल हम भोगेंगे इससे, ये हमारा प्रारब्ध है। शास्त्र ऐसा भी कहता है कि जाति आयु भोग भाग्य ये देह सब प्रारब्ध है आपका, पर इसका भी रचनाकार परमात्मा ही है। ये याद रखने की चीज है कि मनुष्य होना देव अनुग्रह से ही संभव है। भगवान की कृपा के बिना मानवीय देह नहीं मिल सकती। देवानुग्रह हेतु कम, ये तीन चीजें, पहली देह मनुष्य होना, मुमुक्षुत्वम, दूसरा है फिर महात्मा आपको अच्छे लगने लगे, उनकी कथा में आपको रस आने लगे, आप सत्संग में आपकी प्रीति बन जाए और आप वैसा उद्यम करने लगे, मुमुक्षुत्वम, आप सत्कर्म करने लगे, शुभ कर्म करने लगे, आपका औदार्य जग जाए, आप दूसरों के हित के लिए मुक्त हस्त से उदार मन से दान करने लगे, आप सेवा में लग जाए, आपकी जिह्वा निंदा अपवचन न बोले, आपके कान निंदा न सुने, मुमुक्षुत्वम, सत्य की आप में प्यास जग जाए, गहरी प्यास, आपका कंठ रुध जाए, आंखें गीली होने लगे, मम गुण गावत पुलक शरीर, आपसे बोला न जाए, कंठ आपका अवरुद्ध हो जाए, प्रातःकाल आपके हाथ कुछ इस तरह से करें खुजली सी होने लगे, पूछे क्या हुआ, तो आप कहें कैसे प्रणाम करें, कैसे दूसरों का सम्मान करें, दूसरों की सहायता कैसे करें, दूसरों के हित में कैसे खड़े हो जाए, मुमुक्षुत्वम। बाबुल बैद बुलाया, पकड़ दिखाई मेरी मोरी बांह, मीरा खुद लिखती है, हम नहीं बोल रहे, मूरख बैद मरम नहीं जाने, रोने लगी मीरा, माता पिता ने पूछा क्या हुआ, मानेगा तो रोज रोती है, पहली बार देखा होगा आपने, पिता कैसे देखे बेटी रो रही है, मेड़ता की राजकुमारी मीरा, रोने लगी, अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने, और वो ढूंढ रही है, वैद मिला नहीं कोई, राज वैद्य बुलाए, अनेक यत्न किए, वैद्य ने नाड़ी देखी, वैद्य ने असमर्थता व्यक्त की, वैद्य ने कहा ना रोग समझ नहीं है, मूरख वैद्य मरम नहीं जाने, दर्द कलेजे में, मेरे भीतर कोई प्यास, मेरे भीतर एक अधूरापन है, मैं उसे ढूंढ रही हूं,
भवरोग वैद्यम। काशी में रदास मिल गए, प्यास पूरी हो गई, अनुग्रह से। भगवान का जब अनुग्रह होगा, अनुग्रह, तो तीसरी चीज होगी महापुरुष संशय। विश्वास कीजिए, सारे ग्रंथों में कभी झांककर देखना, गुरुओं से सुनकर देखना, जब परम अनुग्रह होगा परमात्मा का, जब परमात्मा अत्यंत प्रसन्न होंगे आपसे, तब आपके जीवन में महात्मा भेज देंगे, संत को भेज देंगे, आपके जीवन में गुरु पहुंच जाएगा। देवानुग्रह हेतुकम। भगवान का अनुग्रह किस रूप में होता है? कि वो गुरु बनकर ही आ जाते हैं। देवताओं के हम आभारी हैं कि वो हमें क्या क्या नहीं दे देते, धन मान सुख संपदा ऐश्वर्य, दिग्दिगंत में आपकी चर्चाएं रहें, अट्टालिकाएं, वाहन, भूमि विस्तार, पदार्थों की प्रचुरता, वस्तुओं की बहुलता, अनुचरी दास दासियों की लंबी कतारें, प्रशस्ति गायन, वृदावली, उच्च सम्मान, उच्च पद प्रतिष्ठा, न केवल धरती पर आपका यशोगान बल्कि स्वर्ग में भी आपकी जय जयकार, और देव बन जाएंगे आप। लेकिन इसे अनुग्रह नहीं कहा गया। भगवत प्राप्ति जब तक न हो, जब तक ईश दर्शन न हो, तब तक जीवन अधूरा है। और उस प्यास की पूर्ति में जो सहायक है उसका नाम है गुरु। देवानुग्रह हेतुकम। तो तीन चीजें बड़ी दुर्लभ हैं, मूल्यवान वस्तुएं बहुत हैं, बहुमूल्य वस्तु बहुत हैं, पर अमूर्त वस्तु ये तीन हैं, मनुष्य होना, मुमुक्षु होना, महापुरुष संशय। गुरु किसने थे? और सूत जी यद्यपि सौनिक आदि ऋषियों के गुरु तो नहीं थे, लेकिन उनमें गुरु भाव। तो एक इसका अर्थ ये भी है कि जो संत हैं, आचार्य हैं, ऋषि मुनि हैं, जो बड़े हैं, माता पिता हैं, ज्येष्ठ हैं, उनके प्रति आदर का भाव रखना चाहिए, गुरु भाव, सीखने का भाव। जैसे भगवान दत्तात्रेय के अंदर सीखने की वृत्ति है। अट्ठासी हजार ऋषि बैठे हैं सूत जी के सानिध्य में, परिप्रश्न सेवया, गुरु के पास बैठो तो श्रद्धा के साथ बैठो, फिर आपका कोई प्रश्न रह नहीं जाएगा। अगर आप सच्चे गुरु के पास गए श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो प्रश्न वहां नहीं रह जाएगा, शंकाएं वहां रह नहीं जाएंगी। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, शिष्यास्तु छिन्न संशया। वृद्ध शिष्य है और युवा गुरु है, लेकिन कोई उनकी शंका रह नहीं गई, शंकाएं मिट गई। गुरु उसे कहते हैं जो आपकी शंका, भ्रम, भय, संशय, आपकी आकुलता, विकलता अथवा अज्ञान जन्य सभी विकारों का शमन करता है, जो आपके शोक का और अज्ञान भ्रम भय का हरण करता है, उसे गुरु कहते हैं। क्योंकि गुरु ज्ञान है, केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तन्नमा। बड़ी अद्भुत बात है, उनके सानिध्य में बैठ गए,
88,000 ऋषि, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 100 नेक, उनके सानिध्य में बैठे और प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें कथा सुना दीजिए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। देखिए हम कथा में चल रहे हैं, ये बात कहकर कभी कभी शब्द औषधि जैसा कार्य करते हैं। औषधि भी कई प्रकार की होती है, आसव अवलेह पिष्टी चूर्ण रस रसायन, कभी कभी धुआ धूम्र भस्म आसव अवलेह और रसायन कास रसायन। हमारे कानों में रसायन डाल दीजिए, औषधि डाल दीजिए, और सबसे बड़ी रसायन क्या है? रसायन में, रस में सबसे बड़ा रस कौन सा है? तो हमारे गुरुदेव कहते थे रस में सबसे बड़ा रस ब्रह्म रस है, आनंद रस है, कृष्ण का ही रस है, वो राम रस ही है, कथा रस है। इस रस की जो शुद्धि है, इस रस की जो पूर्णता है, इस रस का जो उच्चतम भाव है, वो अमृत है। अज्ञान ध्वां विध्वंस, जब हम गुरु के पास जाते हैं तो हमारे अज्ञान का हरण होता है, अज्ञान का नाश होता है। दीप जलते ही अंधेरा चला जाता है। आप हिमालय जाएंगे तो आपको शीत अनुभव होने लगेगा, सूर्य की उपस्थिति का अर्थ है प्रकाश का आगमन, अंधेरा छट जाएगा। तो जैसे ही हम गुरु के पास पहुंचते हैं या उनका स्मरण करते हैं, तब अज्ञान रूपी अंधकार रहता नहीं है। हमारे अज्ञान को मिटा दीजिए, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जलाओ सदगुरु, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु। इसलिए 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए शौनिक ने कहा, हे गुरुदेव, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, आप तो करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश रखते हैं। गुरु वैद्य आनंद मानंद कह प्रसन्नम, आप आनंद दाता हैं, सच्चा वैद्य गुरु बताया। हमारे शास्त्र कहते हैं सच्चा वैद्य कोई है तो गुरु ही है, और हमारी गुरु परंपरा भगवान नारायण से, विशेषकर हम सब साधुओं की, हम सन्यासियों की तो है ही, अन्य सभी जितने भी संप्रदाय हैं उन सभी संप्रदायों के मूल में परमात्मा ही तो है, हमारी तो नारायण से ही परंपरा। शरीरे जर्जरी भूते व्याधि ग्रस्ते कलहे वरे औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। शास्त्र कहते हैं कि कोई वैद्य है तो नारायण ही है और कोई वैद्य नहीं, वो नारायण ही गुरु बनकर हमारे जीवन में आता है। कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अरे भैया ध्यान से सुनना, ये गुरु को नारायण से कम मत मानना, इससे कम मत मानो, उभय रूप में वो एक ही सत्ता है। गुरु रेव पर ब्रह्म त
तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। अब गुरु क्या देंगे? दवाई देंगे। वैद्य क्या देगा? दवाई देगा। वैद्य के पास जाओगे औषधि देगा, निदान बताएगा। इसलिए वो प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, मम करुण रसायनम, हमारे कानों में रस डाल दीजिए, रसायन डाल दीजिए, और उत्तम कोटि के रसायन है अमृत, इसलिए हमारे कानों में अमृत डाल दीजिए, अमृत घोल दीजिए। और हम भारत के भी प्राणी ऐसे ही हैं, बड़े भावुक हैं हम सब। हम तो अमृत को इस तरह से भी जानते हैं, पंचामृत, चरणामृत, ज्ञानामृत, वचनामृत, एक और है दृश्यामृतम। जहां भारत के लोगों ने कल्पना की अमृत की, पांच चीजें मिला लो, पंचामृत हो गया। महापुरुषों के चरण धो लीजिए, चरणामृत हो गया। कथाएं सुन रहे हैं, ज्ञानामृत है। राम का नाम ले रहे हैं, राम नामामृत है। और ये सब कुछ नहीं आता है तो महापुरुषों के दर्शन कीजिए भगवान के, उसके लिए कहा गया दृश्यामृतम। दृश्य से ही अमृत की प्राप्ति होती है, दृश्य से, दर्शन। हमारी संस्कृति में तीर्थ यात्रा की बात है, अरे यूरोप की इतनी जनसंख्या अथवा आबादी नहीं होगी जितने तो भारत में लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए रेलगाड़ी में बैठे। करने क्या जा रहे हो भाई? दर्शन करने। बोले दर्शन माने क्या? अरे मेरे चार धाम जा रहे हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, सप्तपुरियों में जा रहे हैं। अभी कहां निकल रहे हो? चार धाम, बद्री धाम, केदार धाम, गंगोत्री, जमनोत्री। इधर कहां? बोले रामेश्वर और द्वारिका। उधर कहां? इधर उधर। भारत की रेलगाड़ियों में ठसाठस यात्रियों की भीड़ है, पूछो करने क्या जा रहे हैं? दर्शन करने जा रहे हैं। तीर्थाटन, दर्शन, दृश्यामृतम। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीतम कल्पसापः। तब कथामृतम, भागवत में आता है कि एक कथामृत भी है, दृश्यामृतम नामामृतम। इसे सूत जी ने कहा कि सबसे उत्तम कोटि की कोई रसायन है तो ये रसायन अमृत ही है। परीक्षित को जब कथा सुनाने लगे सुखदेव मुनि, तब एक अद्भुत घटना हो गई। देवता अमृति लेके चले आए और देवताओं ने कहा कि कर क्या रहे हैं गुरुदेव, इसे स्वर्ग में ही तो भेजना है, तो अमृत पिला दीजिए और अमृत पिलाकर इसे स्वर्ग में भेज देते हैं, तक्षक से बच जाएगा। तो आप क्या चाहते? सुखदेव मुनि ने पूछा। बोले अमृत हमें दे दो, कथामृत कथा हमें दे दीजिए। और वो अमृत कितनी कठिनाई से मिला था, जिसमें भगवान को चार चार अवतार ग्रहण करने पड़े, कूर्मावतार। कल्पना तो करके देखो, कूर्मावतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार। भगवान को मोहिनी बन गए, बनना पड़ गया अमृत की रक्षा के लिए। ओढ़नी ओढ़े खड़े अहोरूप महोधामम अस्या नवम वयम, एक सुंदरी का रूप धारण करके आए भगवान स्त्री के वेश में। बोले हमें तो कोई लोक लाज है नहीं, स्त्रियां भी मुझसे पैदा हुई, पुरुष भी। तुम स्त्री पुमनान से तुम कुमार उतवा कुमारी, मुझसे ही तो कुमार कुमारी स्त्री पुरुष और पूरी सृष्टि पैदा होती है। मैं ब्रह्मा को पैदा करता और मुझसे ही ब्रह्मा और ब्रह्मा से सारी सृष्टि, मुझे कहां लाज आती है ओढ़नी ओढ़ने में। मैं स्त्री पुरुष सबका ही तो जनक हूं। पर भगवान धन्वंतरी बने उस अमृत की रक्षा के लिए, भगवान कोरम बने, मोहिनी बने। कल्पना तो करो, स्वयं मंदराचल बने। तो कितना अधिक भाई वो अमृत विशेष रहा होगा, ऐसा तो था नहीं सामान्य अमृत, जिसके लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए।
पर कथा के सामने वो अमृत भी बड़ा न्यून सा है। सुखदेव मुनि मान हो गए, उन्होंने उत्तर ही नहीं दिया, मौनम। जैसे यहां अस्वीकृति नहीं, अस्वीकृति लक्षणम, भगवान मौन हो गए। सुखदेव मुनि देवता निराश होकर चले गए। लेकिन देवताओं ने पूछा एक बार के मारे हुआ क्या, हम तो परम अधिकारी हैं, अगर परम अधिकारी न होते तो हम स्वर्ग में कैसे जाते हैं? हम परम अधिकारी हैं तो परम अधिकारी को तो वस्तु मिलनी चाहिए। पर सुखदेव मुनि ने कहा परम अधिकारी होकर भी लेन देन कर रहे थे, विनिमय और वाणिज्य व्यापार कर रहे थे, आप कह रहे थे अमृत इन्हें दे दो, कथा हमें दे दो। लेन देन का नाम कथा नहीं है, विनिमय और वाणिज्य व्यापार का नाम कथा नहीं है, ये तो अनुग्रह से ही प्राप्त होती है। तो सच मानिए कथा की ऐसी महिमा है, जो कथा अब हम श्रवण करने जा रहे हैं। अज्ञान ध्वान्त विध्वंस, हमारे अज्ञान का नाश कर दीजिए और हमें कथा सुना दीजिए। गुरुदेव की वंदना करने लगे वो, और सुखदेव मुनि के शिष्य सूत कथा आरंभ करते हैं। जन्मांतरेत भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। कथा की महिमा में यह भी आता है कि सामान्य पुण्य से कथा की प्राप्ति नहीं होती, जन्मांतरेत भवेत पुण्यम, तब कहीं कथा या भागवत पुरुष के दर्शन होते हैं। यह कथा नारद का उल्लेख आता है कथा में। हमें तो यह भी आपसे कहना है कि बिना नारद के कोई कथा आरंभ नहीं होती, वो राम कथा हो, भागवत हो, पुराण की कथाएं हो, कोई लीला, सारी लीलाओं के मूल में नारद ही हैं। वे महाभारत हो तो उसके मूल में नारद हैं, अथवा रामायण हो तो उसके मूल में नारद हैं। नारद ही तो प्रेरणा देते हैं। महर्षि वाल्मीकि को, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि उत्तम श्रेष्ठ दिव्य उत्कृष्टतम चरित्र कौन सा है, जिसके सामने संपूर्ण चरित्र फीके पड़ जाए, वो कौन है जो महान है, सर्वोच्च है? तो नारद जी उनको प्रेरणा देते हैं कि वो उत्तम से उत्तम पवित्र दिव्य कोई और नहीं, कोदंड पिनाकधारी आप्तकाम पूर्णकाम प्रभु श्री राम हैं, भगवान राम। राम उनसे बड़ा चरित्र कौन सा, बस लिखने बैठ गए, सेवा की बात है। देखो बहुत से साधन है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए बड़े साधन बताए गए, पर सेवा साधन नहीं है, सेवा साधनों का फल है। अगर आपको संत और गुरु की सेवा मिल गई, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा मिल गई, आप अगर सेवा में लगे हैं तो विश्वास कीजिए ये साधन नहीं है, कई जन्मों के साधनों का फल है सेवा, कि आपको सेवा मिली। व्याकुल से बैठे महर्षि वेदव्यास वाल्मीकि और नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने बताया यही तो आप चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने देखा था ये तो हनुमान बन के चले गए राम की सेवा में। भगवान महादेव ने अपनी अर्धांगिनी से कहा, देवादिदेव महादेव ने पार्वती से कहा, हम तो चुप नहीं बैठेंगे, राम गए राम लीला करने, तो आप क्या करोगे? बोले हम हनुमान बनकर जाएंगे, उनके कार्य हम सिद्ध करेंगे, बूटी हम लाएंगे, संजीवनी हम लाएंगे, सीता की सुध हम लेकर आएंगे, रावण की कारा से उन्हें मुक्त हम कराएंगे, और बोले जितने कठिन दुर्गम कार्य हैं कोई और क्यों करे, हम सेवक बनकर स्वयं हनुमान बनकर राम काज हम करेंगे। किम पुरुष
ऐसा कहते हैं हनुमान जी स्वयं ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा स्वयं महादेव हैं, तो महादेव हनुमान बनकर आ गए। महादेव ने पार्वती से कहा कि निश्चिंत रहिए, अब हम हनुमान बनकर सेवा करेंगे राम की। पार्वती ब्रह्माणी के पास गई और ब्रह्माणी ने कहा बड़ी आनंदित हैं, उल्लसित हैं, प्रसन्न हैं, इतनी प्रसन्न तो हमने कभी नहीं देखा। ब्रह्माणी ने कहा ऊंचा आसन बिठाकर उन्हें प्रणाम करते हुए उनके चरणों में शीश झुकाते हुए उस महत देवी की परिक्रमा प्रदक्षिणा करते हुए ब्रह्माणी ने पूछा ऊंचा आसन देकर उनका पूजन कर फूल चढ़ाकर के पराम्बा जगदम्बा मां भवानी हे उमा पार्वती इतनी प्रसन्न तो आप कभी नहीं देखी, ये हुआ क्या, आप तो अत्यंत प्रसन्न है, क्या हुआ है? तो कह लेंगे हमारे स्वामी सेवक बनकर चले गए। हमारे स्वामी सेवक बन गए, महादेव अब हनुमान बनकर गए। सेवा की महिमा बताई। ब्रह्माणी बड़ी आनंदित हुई, पार्वती तो चली गई। सायंकाल में ब्रह्मा जी ने पूछा ब्रह्माणी से इतनी उल्लसित, इतनी आनंदित, इतनी प्रमोदित आप क्यों हैं, क्या कारण है? उन्होंने कहा देखो महादेव तो हनुमान बन कर गए सेवा करने के लिए, उन्होंने कहा मैं हनुमान बनूंगा। तो सहसा ब्रह्मा के मुखमंडल पर भी अत्यंत प्रसन्नता छाने लगी, ऐसे समाधि का सा रस बिखरने लगा। कुछ थोड़ी ही इस देर में जैसे वो महासमाधि महाभाव में जाने वाले ही थे कि ब्रह्माणी ने उनको रोका कि हुआ क्या है आपको, आप तो आनंद में आनंद के सागर में डूबने लगे हैं, अब क्या विचार कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा अगर महादेव हनुमान बनकर जा रहे हैं तो हम भी वाल्मीकि बनकर पहुंचेंगे राम नाम लिखने के लिए, हम भी पहुंचेंगे, हम भी सेवा करेंगे। आदि कवय तेजो वारि मृदा हृदय आदि कवय, भागवत के जो प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में जो आता है आदि कवय, वो कोई और नहीं स्वयं वाल्मीकि है। और उन्होंने कहा कि हम परिचय देंगे कि राम कौन है, हमारे बिना राम का परिचय कैसे मिलेगा, हम देंगे परिचय, हम लिखेंगे। तो महर्षि वाल्मीकि बनकर आ गए ब्रह्मा जी। पर ये प्रेरणा दी किसने उनको, नारद जी ने। तो नारद जी ने कहा कि आपको अपना स्मरण नहीं रहा है, आपको विस्मृति हो गई है, आप भूल गए कदाचित, इसलिए आरंभ कीजिए। और वाल्मीकि ने लिखा। ये दो इतिहास है, वेद को सरल करने के लिए पुराण है और उनको भी सरल करने के लिए इतिहास है। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, इतिहास में दो ही ग्रंथ हैं, एक है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और दूसरा है महाभारत। बाकी की चीजें भी इतिहास हैं, ऐसा नहीं है, पर वो सामान्य बात है। पर वाल्मीकि रामायण ऐतिहासिक इतिहास है, वो वेद का रस है, पुराणों का रस है, ऐसे ही महाभारत। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, आरंभ करते हैं, जन्मांतरेत भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। और नारद जी का स्मरण करते हैं महर्षि वेदव्यास अपने गुरु का, कि मेरे गुरु कहां पहुंच गए, ट्रैक करते रहो उनको कि उन्होंने क्या कहा था, क्या लिखा था, कब किस प्रसंग में उनकी क्या चर्या रही, स्मरण करते रहिए। तस्मात सर्वेषु कालेषु अपने गुरु का स्मरण करने लगे। और नारद जी वृंदावन में है, लोकलोकांतर का भ्रमण करते हुए, नारद जी अनेकों लोकों का भ्रमण करते हुए, अनेक लोक उनका भ्रमण करते हुए नारद वृंदावन पहुंचे और ग्रंथ का आदर करने के लिए हम ग्रंथ उठा रहे हैं।
अहम तो पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। इधर उधर भ्रमण करते हुए नारद जी कह रहे हैं, देखो मैं हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्री रंग सेतु बंध मैं तीर्थों में घूमा हूं, सप्तपुरियों में, चार धाम, सर्वत्र भ्रमण करते हुए मैं कहां पहुंच गया। नारद जी कहते हैं वृंदावन पहुंच गया मैं। और क्या देखा नारद जी ने? वृद्धो दो पतितो पार्श्वे, दो बूढ़ों को देखा नारद जी ने, एक स्त्री को देखा, स्त्री तो क्या, वो तरुणी को देखा। सामान्य तरुणी नहीं, सामान्य नहीं, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गंडकी नर्मदा अन्य नदियां स्त्री का वेश बनाकर उसके सेवाचर्या सपरिया में खड़े, तीर्थ उसका अभिनंदन कर रहे हैं, महदगण देवगण उसके आगे शीश झुकाए खड़े। नारद जी अपनी बात कह रहे हैं, कुछ लोग अपनी मन की बात आरंभ कर देते हैं, तीर्थ में गए ऐसा देखा वैसा देखा, बड़ा सुंदर गंगा का तट, हरिद्वार प्रयाग पुष्कर की चर्चा, वृंदावन मथुरा अयोध्या की चर्चा प्राय भक्त करते हैं। नारद जी चर्चा कर रहे हैं, मैं गया एक बार वृंदावन, देखा बड़ा अद्भुत दृश्य, एकातु तरुणी विषण खिन्न मानसा, एक मैंने स्त्री को तरुणी को देखा रो रही है और दो वृद्ध पुत्र उसके लेटे हुए हैं, मतलब प्राय प्राणहीन काया जैसे मानो निश्चेष्ट, वो हिल नहीं रहे, मतलब प्राय का अर्थ है लगभग उनमें प्राण रहे ही नहीं, अब मर ही गए जैसे मानो, उनकी विकल स्थिति देखकर कभी उनका माथा चूमती है, कभी हाथ चूम लेती है, कभी उनके प्राणों की रक्षा के लिए व्याकुल होकर रोने लगती है। नारद जी ने कहा, देखो इतनी दिव्य सलीलाएं, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गंडकी कृष्णा माहेश्वरी महेंद्र तनय आदि सभी नदियां तो शीश झुकाए खड़ी हैं, सारे तीर्थ, फिर भी बड़ी व्याकुल है ये। नारद जी को लगा बड़ा विचित्र है, तो अनेक सिद्धियां अनेक विभूतियां उसके आगे शीश झुकाए खड़ी, लेकिन वो उनसे सहायता नहीं ले रही है, कुछ उद्यम कर रही है कि मेरे मरते हुए बच्चे बच जाएं, जो दो बालक मेरे मर रहे हैं अब इनकी अंतिम श्वास ही है, इनकी इनकी प्राणों की रक्षा हो जाए। तो नारद जी को लगा कि भाई को रो रहा है व्यक्ति, ठीक है देख लिया निकल पड़े, यहां तो बहुत से लोग हैं संभालने वाले और यहां से निकलना ठीक ही है, संसार की विचित्रताओं में साधु को उलझना नहीं चाहिए, ऐसा कहकर कि यहां ये रो रही है स्त्री और रोती स्त्री को देखकर निकल जाना चाहिए, पता नहीं लौकिक क्या बाधा है और बहुत लौकिक प्रपंच में साधु न पड़े ऐसा जानकर वो निकल ही रहे थे, तो स्त्री बोलने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ट मई चिंतामपिनाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अघरम परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ट, रोने वाली स्त्री साधु को देखकर थोड़ी थोड़ी प्रसन्न हो गई और कहने लगी, एक पल के लिए और रुक जा साधु, थोड़ी देर के लिए और रुक जा, भो भो साधो क्षणम तिष्ट, थोड़ी देर के लिए ठहर जा, थोड़ी देर, क्योंकि आपके आते ही मैं निर्द्वंद निश्चिंत निर्भार निर्वैद्य अनुभव करने लगे हूं, आपको आते ही मुझे ऐसा लगा मेरा समाधान हो जाएगा, अब मुझे उत्तर मिल जाएगा,
अब कोई बाधा नहीं रहेगी, अब कोई समस्या नहीं रहेगी, अब कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, अब कोई कठिनाई नहीं रहेगी, क्योंकि आपको देखकर लग रहा है कि समाधान मिल जाएगा, आपको देखकर लग रहा है कि अब उत्तर मिल जाएगा, आप उत्तर हैं, समाधान हैं। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, एक घड़ी आधी मैं पुनः आध, थोड़ा सा साधु का संग मिल जाए, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, अच्छे लोगों की संगति मिल जाए, अच्छे महापुरुषों की संगति से अच्छे विचार मिल जाते हैं, और अच्छा विचार मिले तो संसार बदल जाता है। ध्यान रखना, बड़ा व्यक्ति धन से नहीं होता है, बहुत बड़ा व्यक्ति कभी भी पदार्थों से नहीं होता, पदार्थों की प्रचुरता से बड़ा व्यक्ति नहीं बनता है, बड़ा व्यक्ति तो विचार से बनता है, चरित्र से बनता है, आचरण से बनता है। महानताओं का अर्थ द्रव्यों का भंडार नहीं है, व्यक्ति को महान उसके विचार बनते हैं। इसलिए आपको देखकर लगा है कि आप बड़े बड़े महापुरुष हैं, और मैं आपको पहचानती भी हूं कि आप हैं कौन। इसलिए नारद, ठहर, कुछ थोड़ी देर रुक और देख मैं कौन हूं। नारद जी को लगा कि ये मुझे जानती है और अपना पता नहीं क्या परिचय देगी, तो नारद ठहर गए और वो कहने लगे, मैं भक्ति हूं। नारद जी ने शीश झुकाया, क्योंकि नारद जी भक्ति से ही तो भगवान को प्राप्त कर सके। यद्यपि नारद जी सभी दर्शनों के आचार्य, अहो नारद धन्य श्री विरक्ता नाम श्रोमणि श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर, वो योग के आचार्य हैं, वो सर्व दर्शनाचार्य हैं, उनसे ही तो सारे दर्शन हैं। सच तो ये है कि वो मुख्य आचार्य हैं, वो मूल आचार्य हैं, वो प्रधान आचार्य हैं। वो नारद स्वयं भक्ति सूत्र की चर्चा करते हुए भगवान को प्रकट करते हैं। इसलिए नारद जी ने शीश झुकाया और पूछा, माँ बात क्या है कि मेरे दो पुत्र हैं और अब ये मृतप प्राय हैं, एक का नाम ज्ञान और दूसरा वैराग्य है, इन्हें कैसे जीवन मिले। नारद जी ने वचन दिया, हिमालय गए और सनकादिक को प्रार्थना की। सनकादिक ने गंगा के तट पर बैठकर भागवत शुभारंभ की और ज्ञान वैराग्य को जीवन मिला, ज्ञान फिर से पुनर्प्रतिष्ठित हुआ, वैराग्य को भी। एक इसका अर्थ यह है कि वृंदावन में भक्ति तो प्रसन्न हो गई पर ज्ञान वैराग्य नहीं, भक्ति को जीवन तो मिल गया। पूरे संसार में भ्रमण करते हुए भक्ति जब वृंदावन पहुंची तब वहां वो स्वस्थ हो गई, निर्वैद्य हो गई, पुनर्यौवना हो गई, लेकिन दोनों बच्चे यथावत थे, उनको गंगा के तट पर ही जीवन मिला, ज्ञान और वैराग्य को। ऐसे हमारे जीवन में ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े हो गए उनको भी जीवन कथा से ही मिलता है, उमंग का चले जाना, उल्लास का चले जाना। अगर हमारे जीवन उल्लास नहीं है, उमंग नहीं है, आनंद नहीं है, कोई नव तरंग नहीं है, कोई नवाचार के लिए हम प्रस्तुत नहीं है, आप दिन में चहकते नहीं है, इसका अर्थ है कि आप मानसिक रूप से व्यथित हैं, दुखित हैं। दिन में दो चार बार चुटकी बजाने का मन नहीं करता और ऐसे झूमने का गाने का मन नहीं करता, इसका अर्थ है कोई बीमारी तो है, मानसिक रूप से कोई थकान तो है, कहीं किसी तरीके से आप थके हैं, कहीं ठहरे हैं, पुलक नहीं, चहक नहीं, आनंद नहीं, उल्लास नहीं, झूम नहीं रहे हो। एक बार को ऐसा लगे कि आप नहीं है, हवाएं, आनंद है, तरंगे। कभी कभी दिन में ऐसा भी लगे कि आप एक हरा भरा बगीचा है, आप में से क्या सुगंध निकल रही है, और स्नान करते समय गुनगुना नहीं रहे हो, नाच नहीं रहे हो, उसके अर्थ कोई स्ट्रेस है, बीमार है, बीमार हो अंदर से, उदास बैठे हैं साहब, गुनगुना नहीं रहे, हंस नहीं रहे, आनंदित नहीं है, चहक नहीं रहे। अरे कभी होता है, महीने में एक आध बार कोई हल्की फुल्की चिंता, कभी सदविचार से ऐसा होता है। और आप सत्संगी हैं, और सत्संगी उसे कहते हैं कि जो जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, आनंद रहे, संतोष रहे, जो भगवान के विधान को साचा माने। इसलिए कहते हैं कि गंगा के तट पर, आनंद तट पर, हम तो महाभाग्यवान हैं गंगा के तट पर रहते हैं। जो गंगा का हरिद्वार में तट है उसे आनंद तट कहा गया, उसे आनंद वन कहते हैं, वह आनंद पर्वत है,
और बड़े आनंद की बात बताएं कि वहां का तो भैरव भी आनंद भैरव है, वहां काल भैरव नहीं है। काल भैरव हमारे भगवान काशी में, हम जब ज्वाला जी जाते हैं तो उन्मत्त भैरव है ऊपर, लेकिन हरिद्वार में कौन से हैं भैरव? आनंद भैरव, आनंदित है वो, कभी उन्मत्त नहीं होते, उत्तेजित नहीं होते, आक्रामक नहीं होते, समाधि में। कभी आप हरिद्वार में आओगे तो वहां स्वाभाविक समाधि मिलती है, चुप्पी है, एक अलग प्रकार का आनंद और रस है, अलग प्रकार का एक सुख है। गंगा के तट पर सनकादिक ने, सनक सनंदन सनत कुमार आदि ने कथा सुनाई और ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, शुभ संकल्प जगने लगे, पवित्रता आ गई, जीवन में उमंग आ गई। ये प्रथम चरित्र में गुरु की इस प्रकार की वंदना है। तुलसीदास जी की चौपाई से आगे बढ़ते हैं। बड़ा आनंद है भैया, भीलों के बीच में बैठे हैं, जो करें इन्हें करने दो। इन भीलों के हम बड़े धन्यवादी हैं, ये भील ही हमारे राम के काम में आए, ये भील ही हैं जिन्होंने बेर खिला दिए। भीलनी इतिहास में अमर हो गई, भीलनी ने झूठे बेर खिला दिए, वनबंधुओं ने, वनवासियों ने, गिरवासियों ने, वहीं तो हनुमान मिले वन में ही, तो वन नर वानर वन में ही तो मिले राम जी को उनके सहयोगी। तो कभी कभी कुछ ऐसा हो जाए तो भाव में होता है, निश्चलता में, सरलता में ऐसा होता है। कई बार उन्हें पता नहीं होता कि आस्थाएं क्या है, व्यवस्था क्या है, क्या रीति नीति है। गांव का आदमी बड़ा भोला होता है, इसे साधुओं ने कहा है कि चेतो नगरी तारो गांव, अलग पुरुष का सिमरो नाव। महापुरुषों ने कहा जी चेतो नगरी तारो गांव, इसका अर्थ क्या है? बोले इसका अर्थ है जब गांव में जाओ तो गांव का आदमी भोला भाला होता है, उसे कुछ भी कहोगे तर जाएगा। चेतो नगरी तारो गांव, लेकिन शहरों में जाओगे तो चेताना पड़ता है उनको, थोड़ा चैतन्य करना पड़ता है। चेतो नगरी तारो गांव, अलग पुरुष का सिमरो नाव। अरे निकल जाना साधु, गांव में पहुंचो तो वहां जरा सी कोई बात कहोगे तो वो तर जाएंगे, और महानगरों के लोग निरंतर सुनाओगे तो चैतन्य होंगे, फिर थोड़ा चैतन्य होकर फिर तरेंगे वो। उगरई वे मर लोचन के Thank you.
रजनी के विमूढ़ा नान पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः गुरुजनों की कृपा से हमारे जब अंतर के चक्षु खुलते हैं प्रज्ञा चक्षु विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः जब हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं ऐसा तब होता है जब गुरुदेव की कृपा से ऋतम भरा ब्रह्म रिता अथवा प्रज्ञा की प्राप्ति हो। हमारी सामान्य बुद्धि बुद्धि रहती है, जब वो प्रज्ञोपलब्ध हम हो जाते हैं सत्योपलब्ध अथवा तो ऋतम भरा ब्रह्मरिता जब हमारी बुद्धि हो जाती है और वे बुद्धि भी देव कृपा से ही प्राप्त होती है। दिव्य चक्षुम ददा मिते, भगवान ही दिव्य चक्षु देते। ऐसा कभी कभी होता है कि गुरु कृपा कर वो शक्तिपात के द्वारा वो चक्षु दे देते हैं, वो आंखें दे देते हैं। शास्त्र से आंखें खुलती हैं हमारी। उघरई विमल विलोचन ही के नेत्र, हमारे अंदर के जो नेत्र हैं हृदय के नेत्र जब खोलेंगे, मिटई दोष दुख भव रजनी के, इसे भवरात्र कहा गया। ये भवरात्र है, भवरजनी है, ये जो जगत है ये सुला के रखता है, हमारी आंखें खुलने नहीं देता। इसमें मोह के कारण हमारी आंखें बंद रहती हैं, अज्ञान के कारण हम पूरा देख नहीं पाते, पूरी तरीके से हम समझ नहीं पाते। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, जब गुरुदेव की कृपा होती है, भगवान की जब कृपा होती है तब हम देख पाते हैं। और हृदय की आंखें खुलती है, मन की आंखें तो संसार खोल देता है आपका। हमारे संबंधी मित्र बंधु बांधव अपने जब अपने मूल चरित्र में लौट कर आते हैं, जब उनका चरित्र का पता लगता है कि इनकी प्राथमिकता तो पद और प्रतिष्ठा है, धन है, जब उच्च पद न रहे आपके पास, आप प्रतिष्ठित न रहे, सामग्री संपदा साधन थोड़े शिथिल हो जाए, यश भी आपका धूमिल हो जाए, तभी किनारा कर लेंगे, तभी मन की आंखें तो यही खोल देते हैं अपने ही लोग। लेकिन अंदर की आंखें हृदय के नेत्र तो देव कृपा से खुलते हैं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा आती है भागवत में। वह एक साधु के पास पहुंचकर जिद कर रहा है, साधु के पास पहुंचकर हठ कर रहा है कि महाराज मुझे संतान हो तो सुख मिले। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जो घर में माया, तीसरा सुख सुशीला नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। पुत्र तो हो पर आज्ञाकारी भी हो ना, संतान आज्ञाकारी हो, पुत्र अथवा पुत्री। अवज्ञा न करें, अविनीत न हो, उपेक्षा न करें, अपमान न करें, सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर वह परंपराओं का मूल्यों का उपहास न करें। आत्मा में जायते पुत्र, इसे व्यक्ति जीवित रहना चाहता है तो कैसे रहना चाहता है अपने संतानों के रूप में। मरना तो हम चाहते नहीं, नित्य रहना चाहते हैं। जब ये पता लग जाएगा कि नित्य तो रह नहीं पाएंगे, देह नहीं रहेगी, तो संपदा कौन सहेज के रखेगा, कौन है जो इस परंपरा को सहेज के रखेगा, द्रव्य को संपदा को, इस संग्रह में जो भंडारण में बहुत कुछ है उसे कौन संभाल के रखेगा। भैगलान मोरे सुतनाई, ऐसे तो दशरथ में भी एक प्रकार की ग्लानी हुई कि कौन है जो उसे संभाल के रखेगा, इस राज्य को और इस पूरे
साम्राज्य को, कौन है जो उच्च चरित्र के साथ आएगा? संतति की चाह किसे नहीं रहती? हम अपना उत्तराधिकारी तो चाहते ही, उत्तरावस्था में कोई हमें थाम ले, सहेज ले। वो केवल गृहस्थी नहीं, सन्यासियों में, साधुओं में भी उत्तराधिकारी के चयन के लिए थोड़ी सजगता और थोड़ी सी व्याकुलता देखी गई है कि कोई कुलशील के साथ अच्छा मिले, योग्य शिष्य, तो विद्या को संभाल कर रखे, परंपराओं को, पूजा और संप्रदाय के नियमों को। जो सांप्रदायिक नियम है, पूजा, उपासना, विद्या अथवा व्यवस्थाएं, उत्सव, इन्हें कौन संभालेगा? अच्छे अच्छे महापुरुषों में इस प्रकार की एक सजगता, चौकन्नापन, किंचित व्याकुलता तो देखी गई कि भाई कोई अच्छे महापुरुष साधु मिले तो उसे हम उत्तराधिकारी बनाएं। उत्तरावस्था वैसे ही ये हट कर रहा है कि महाराज मुझे संतान दे दीजिए। महाराज मना कर रहे हैं, तेरे भाग्य में दुख लिखा है, अपमान है, तिरस्कार है, ग्लानी लिखी है। संतान तो होगी लेकिन संतान तुझे दुख देगी, कष्ट देगी, जंगल में भाग जाएगा तू, छिप जाएगा अपनों से, अपनों के सामने इतना अपमान होगा तेरा, तुझे जंगल में भागना पड़ेगा। तेरी पत्नी का तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आत्मघात कर ले, कहीं तेरी पत्नी आत्महत्या ना कर ले, इतना दुख देगी संतान। मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत दुखी रहोगे, इसलिए संतान की बात छोड़ कुछ और मांग ले। शत्रु संतान होने वाली है, दुख देगी, बड़ा अपयश मिलेगा, बहुत कष्ट मिलेगा, सहन नहीं कर पाएगा, रहने दे, जिद मत कर। अब वो कहने का मारा नहीं, कितने कष्ट दे, कुछ दे, अपने तो कष्ट भी दे तो क्या है। अब आपके मुंह से निकला है कि संतान कष्ट देगी, तो एक बार कष्ट ही सही, संतान दे दीजिए। तस्याग्रह समालोक्यम फल में कम सदत्तवान, बहुत जिद कर रहा है, चले जा, एक फल ले जा। तस्याग्रह, इतना आग्रह संतान के लिए, इतनी हठ। गुरुदेव प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा कि ये जो फल है इससे प्रज्ञावान, एक योगी, त्रिकालदर्शी, वीतराग महापुरुष की प्राप्ति होगी। सामान्य पुत्र नहीं होगा, वीतराग होगा, योगी होगा, त्रिकालदर्शी होगा, साक्षात्कार संपन्न, भगवत साक्षात्कार संपन्न सत्पुरुष होगा, सदाचारी होगा, वेदाभ्यासी होगा, वो सभी विद्याओं में निष्णात होगा। उसके दर्शन मात्र से वंध्या स्त्री ही एक प्रकार से गर्भवती, उनमें शुभ लक्षण हो सकते हैं। अभागे में भाग्य जग जाएगा। क्रूर ग्रहों से जो पीड़ित होंगे उनके ग्रह शांत हो जाएंगे, ये सामान्य पुरुष नहीं होगा। तस्या ग्रह समालोक्यम फल में कम से दत्तवान, साधु ने फल निकालकर उसके हथेली पे रख दिया, जा अपनी पत्नी को दे देना। धुंधुली का अर्थ है वो बुद्धि जो स्पष्ट नहीं, जो ठीक निर्णय नहीं ले पाती, ठीक निश्चय नहीं कर पाती। हम कई बार ठीक चुनाव नहीं कर पाते, हम ठीक निर्णय नहीं कर पाते, हम सही संकल्प नहीं कर पाते। शुभ संकल्प के अभाव में जीवन विपरीत दिशा में चला जाता है, भटक जाता है। इसे शास्त्र कहते हैं, तन्मे मना शुभ संकल्प मस्तु। मन में शुभ संकल्प हो तो जीवन सिद्ध हो जाता है, वह स्वभावतः उतनी सजग सावधान नहीं थी। मूढ़मति फल की उपेक्षा की, गौ के सामने फेंक दिया, गौ ने फल ग्रहण किया, 9-10 मास में गौ ने बालक देने की तैयारी कर ली और ये उधार का बालक ले आई पड़ोसी का। पड़ोसन को लगा, ईर्ष्या हो गई कि इसके पास अद्भुत फल है, अमर फल है, दिव्य फल है, इसका पुत्र योगी, यति, तपापूत अथवा दार्शनिक विचारक हो गया, इसके इस फल को ही देखकर लग रहा है कि इसका पति राजयोगी होगा और राजा इसके सामने शीश झुकाएंगे तो इसका तो बड़ा यश होगा, नाम हो जाएगा, क्यों ना मैं सगर्भा हूं, अपना ही इसे अपनी संतान दे दूं।
ईर्ष्या के वशीभूत पड़ोसन ने अपना पुत्र थमा दिया ये कहकर कि वृद्धावस्था है, इस अवस्था में अगर तू पुत्र जनेगी संतान देगी कहीं तेरे प्राण न चले जाएं, तेरा सौंदर्य चला जाएगा, अस्वस्थ हो सकती है, तू कोमलांगी है, गर्भ के बड़े कष्ट होते हैं, गर्भ रहने दे, मैं अपना अपनी संतान तुझे दे दूंगी, इस फल को फेंक। इस प्रकार से धुंधुकारी नाम का एक बालक पड़ोसन का उसने उधार ले लिया और मिथ्या प्रचार कर दिया कि ये मेरा ही बालक है। और उधर गाय ने 9-10 मास के बाद सुंदर से पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम गौकर्ण रखा गया। अजान बाहु कंबु ग्रीवा कंठ लंबे कान समाधिस्थ सत्पुरुष। अभी बालक जन्मा ही था कि द्वार पर यतियों का साधुओं का झुंड आ गया और वो स्वस्ति वाचन करने लगे, मंगलाचरण करने लगे, वेद ध्वनि गुंजरित हो गई आत्मदेव के द्वार पर और साधुओं ने वेद स्वर वेद मंत्रोच्चारण ऐसे किए कुछ समझ नहीं आया और गाय के पास रखे बालक को उठाकर ले गए और उनके हिस्से में वो धुंधुकारी ही रहा, धुंधली धुंधली जो बहुत स्पष्ट नहीं, ये जो धुंध है अथवा कोहरा इसे मिस्ट और फॉग कहते हैं, ये तो उत्तर भारत में अभी देखा जा सकता है। धन्य है कि मेरा वहां से हवाई जहाज उड़ सका कि मैं ठीक समय पे आपके यहां पहुंच सका, अन्यथा तो कल कोई दिल्ली से कोई फ्लाइट ही मूव नहीं हुई है, कहीं इतनी धुंध है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब कुछ न दिखाई दे उसका नाम है धुंधली, जब न पथ दिखे न पाथे और कुछ जब दिखे नहीं लक्ष्य नहीं दिख रहा होता। और वो बालक ने बड़ा कष्ट दिया, वो चार कर्म करता था, दस्यु बना लुटेरा बना, वो गणिकाओं के पास नर्तकियों के पास जाने लगा, मद्यपान करने लगा, माता पिता का धन छीन लिया, चूल्हे की जलती लकड़ी लेकर माँ को मारने के लिए दौड़ा, माँ प्राण बचाने के लिए कूप में कूद गई और पिता जंगल में भाग गए, बड़ा अपयश हुआ। और वो जो घड़िकाएं थी 5 नर्तकियां, उन्होंने धुंधुकारी के मुंह में कपड़ा डालकर और उसके हाथ पैर बांधकर उसे जलाकर धरती में दबाकर चंपत हो गई। इसका अर्थ क्या है कि विषय कब हमारा भोग डाल देंगे पता नहीं। कौन कौन से विषय? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। प्राय कभी साधक हमसे कभी कभी एक बात कहते हैं, अच्छे साधक कहते हैं ऐसा हमसे, मेरा ध्यान नहीं लगता, खड़े खड़े पूछ रहे हैं, भीड़ में पूछ रहे हैं, काफी भीड़ है और हमसे ध्यान की बात कर रहे हैं, वो बहुत भीड़ में कभी कभी लंबी कतार खड़ी है और वो हमसे कहते हैं वो ध्यान नहीं लगता। अब उनको कौन बताए कि भैया ध्यान तो सातवीं चीज है, पहले यम, फिर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा फिर है ध्यान। ध्यान नहीं लगता, ध्यानम निरशयम मनः, ध्यानम निर्विषयम मनः। जानते हो ध्यान किसे कहते हैं? जब कोई विषय न रहे मन के पास उसका नाम है ध्यान। ध्यानम निर्विषयम मनः, जब कोई विषय न रहे मन के पास उसका नाम है ध्यान। धारणा बार बार एक बिंदु पर लाना, फिर प्रत्याहार, उससे पहले प्राणायाम, फिर आसन, आसन से पहले नियम, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्राणे ध्यानानि, और उससे पहले यम सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अहिंसा। ध्यान लगा दीजिए भैया, ध्यान कैसे लगे? आपने सत्य का व्रत किया क्या? अस्ते इंद्रियों में संयम, अपरिग्रह, अपरिग्रह जानते हो किसे कहते हैं? घर भरा पड़ा है चीजों से, उन्हें निकालते नहीं, कुछ लोग तो फेंक देते हैं डस्टबिन में, फिर निकाल लेते हैं काम में आएगी चीज। मैंने खुद देखा है ऐसा, सच में देखा है मैंने। हमने उनसे कहा बहुत सी इनको फेंको, और वो सच में एक ऐसा हमारे क्लीन कर रहे थे हमारे कमरे को और उसमें से कुछ चीजों डस्टबिन में डाल दिए हमारा मन रखने के लिए, और बाद में निकाल रहे हैं डस्टबिन से कि हमारे ये तो काम में आ सकती है।
अपरिग्रह इतना कुछ, एक छोटी सी दुनिया घर की, उसमें चीजें दुनिया भर की, इतनी चीजें, इतने पदार्थ, वो कभी वनवासियों को, गिरवासियों को, अभावग्रसित साधनहीन प्राणियों को जो अपने ही हैं, उन तक नहीं पहुंचे वो चीजें, इतनी चीजें अपरिग्रह, इतना धन, इतनी संपदा, इतने वस्त्र, इतने आभूषण ढेर लगाए जूते चप्पलों का किने घर में, लगता है हम किसी शोरूम में आ गए, ओह उनके रैक्स खोल कर देखो वो क्या है, इतनी चीजें अपरिग्रह, संतोष संतुष्ट हो ये न कहने चित, शौच बाह्यांतर पवित्रता, इस पर लगो बाह्यांतर पवित्रता पर, स्वाध्याय भोर में उठकर स्वाध्याय कीजिए, उसके बाद कहीं आसन की स्थिति बनेंगे, प्राणों को संतुलित कीजिए, इसका नाम है प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर कहीं इंद्रियां सहज हो पाएंगी, फिर है ध्यान, उसके बाद है समाधि, वो निर्विकल्प या सविकल्प, वो निर्वितर्क या सवितर्क, वो सबीज या निर्बीज, या वो सगुण या निर्गुण, निर्विचार निर्विचार, ये राम 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 करते ये राम आपको निर्विचार कर देगा, निर्विचार, ये जो राम का ही जो विचार है, जो मंत्र है, स्वाध्याय, स्वाध्याय में ये मंत्र जब भी आता है, स्वाध्याय में आत्मनिरीक्षण भी आता है, स्वाध्याय में सदग्रंथों का अध्ययन भी आता है, अरे स्वाध्याय तो करके देखो कौन सा ग्रंथ चल रहा है, पूछ के देखें आपसे क्या चल, कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र कौन सा, योग वशिष्ठ, विवेक चूड़ामणि, अपरोक्षानुभूति, मनीषा पंचकम, अथवा तो रामायण, यज्ञ भागवत, कौन सा स्वाध्याय कर रहे हैं आजकल, कहते ध्यान बता दीजिए, अरे भी स्वाध्याय तो करो, ये जो पांच विषय हैं ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये पांच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं में उलझी हुई है चेतना, ये धुंधुकारी कोई और नहीं, उदंड अशिष्ट अभद्र, जो भद्र है अभद्र जो है अविनीत हमारा मन, ये धुंधुकारी है, ये धुंधुली कोई और नहीं है, जो बुद्धि में स्पष्टता नहीं है वही धुंधुली है, आत्मदेव कोई और नहीं, चारों ओर से घिरे हुए हम ही आत्मदेव हैं और कोई नहीं, अपने विकारों से, अपनी कामना ऐषणाओं से, अपनी अंतहीन कामनाओं के सैन्य दल से घिरे हुए हम खुद, और भागवत में आता है कि प्रेती योनि में गया धुंधुकारी, आत्मदेव भटक रहे थे, धर्मम भजस सततम, उपदेश दिया आत्मदेव ने, ज्ञान यज्ञ करिष्यामि शुक्र शास्त्र कथो ज्वलम, भागवत की कथा सुनाई, डॉकर ने धुंधुकारी मुक्त हुआ, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, शब्दों से मुक्त किया, शब्दों से ही तो बंधे हैं हम, बंधे ही तो यहां कच्चे धागों से हैं, ये बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, आने वाले दिनों में आप सुनेंगे कि किस तरह की ये साइकोथेरेपी है, किस तरह की ये मास काउंसलिंग है, किस तरीके का ये मन का उपचार है ग्रंथ, कि जिसमें हम अपने मन बुद्धि और अपने विकारों से अलग देखते हैं, बिल्कुल अलग, जो हमें अलग कर देता है, उस ऐसे ग्रंथ की ओर बढ़ रहे हैं। आज पहला दिन, भूमिका का दिन, किसान पहले तैयार करता है खेत को, और जब पूरा खेत तैयार हो जाता है फिर बीज डालता है, कुम्हार तैयार करता है मिट्टी को,
जब मिट्टी पूरी तैयार होती है तब उसमें से वो पात्र बनाता है, चित्रकार तैयार करता है रंगों को और कैनवस को, फिर वो चित्र बनाता है। और ठीक वैसे ही मूर्तिकार, स्थापत्यकार पत्थर को ढूंढते हैं, बहुत दिन लग जाते हैं उस पत्थर को ढूंढने में जो हथौड़े की घन के प्रहार को, उसकी चोट को सहन कर सके, छेनी और हथौड़े के प्रहार को, तब कहीं मूर्ति बनती है। मूर्तिकार ऐसे को पत्थर नहीं ले आता, मूर्तिकार पत्थर लाता है, ढूंढता है, लंबे समय तक श्रम करता है अच्छा पत्थर लाकर, वैसे रंगों को तैयार कर चित्रकार, ठीक वैसे किसान तैयार करता है धरती को, ठीक वैसे कुंभकार तैयार करता है मिट्टी को, और सच मानिए वैसे गुरु हमारे मन को तैयार करते हैं। विविध परिस्थितियों में हमारा मन तैयार होता है और फिर कहीं वो बीज डाला जाता है, और जैसे ही अध्यात्म का बीज आता है तब फिर बीज में से वृक्ष निकलने लगता है। और आप सब जानते हैं कि वृक्ष में से निकलने वाले फल फूल, उनकी गंध सुगंध मकरंद, उनसे उत्पन्न होने वाली प्राणवायु अथवा आर्द्रता, भूस्खलन को रोकने के लिए उनकी जड़ें, या कि बादलों को बुलाने के लिए, परजन्यों को पैदा करने के लिए उनका गीलापन, सब बीज में होता है। हम सब में अध्यात्म बीज है, हम सब के भीतर में भगवत प्राप्ति की योग्यता है, हम सब में वो बीज है। पर वो बीज कब कुल बुलाते हैं? जब हम कभी कथा में चले जाते हैं, जब कभी हम तीर्थ में चले जाएं, महापुरुषों के पास चले जाएं, तो बीज वो कुल बुलाने लगते हैं। आइए भागवत के प्रथम स्कंद की ओर बढ़ें, भगवान के इस नाम स्मरण के साथ। मुकुंद माधव केशव भो, केशव माधव गोविंद भो, पकड़ लो हे गुरुवर,
कस्तूरी तिलकम ललाट पटले सबं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमनंत वीर मया प्रमादा प्रणये नवापि सखेति वेदव्यास प्रथम स्कंद के आरंभ में ही अद्भुत श्लोक बोलते हैं जन्मादस्य जन्मादस्य यतो नयाद तरतस् चारथेषु विज्ञासराट् तेने ब्रह्मदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरज तेजो वारिव्रदा सर्गो धामना स्वेन सदा निरहस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ब्रह्म सूत्र में भी यही है जन्म के आरंभ में पहले कौन है जन्मादस्य उसके आदि कौन है कौन है आदि में मूल में कौन है आरंभ में कौन है पहले कौन है पहले से पहले कौन है सबसे पहले कौन है पूर्व के भी पूर्व में कौन है प्रारंभ के भी प्रारंभ में कौन है जो प्रारंभ है कौन है पहला हु इज द फर्स्ट कौन है पहला पहला कौन है सबसे पहला कौन है पहले से पहले कौन है उससे भी पहले कौन है उसके भी जन्म के भी आरंभ में उसके आदि में कौन है ऊर्ध्व मूलाधर शाखा अश्वतम प्राहुर अभयम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदविद् ऊर्ध्व मूल कौन है जो इसका मूल है वो ऊर्ध्व है वो ऊपर है तेजो वारि मृदाम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरहस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि धामना स्वेन सदा निरहस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। ये भागवत का मंगलाचरण है ये ब्रह्म गायत्री है ये परमहंस गायत्री है ये मूल गायत्री ऐसा कह सकते हैं जैसे ये भागवती गायत्री एक अक्षर का मंत्र होता है एक अक्षर का दो अक्षर का भी मंत्र होता है अरे डेढ़ अक्षर का मंत्र होता है क्षमा कीजिए सवा अक्षर का मंत्र होता है डेढ़ पौने दो दो सवा दो ढाई पौने तीन तीन अक्षर का मंत्र चार पांच छह सात आठ नौ दस अक्षर का मंत्र ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह का मंत्र और तो और 24 अक्षर का मंत्र गायत्री छत्तीस अक्षर का मंत्र 54 अक्षर का मंत्र बड़े आनंद की बात बताएं 100 अक्षर का मंत्र सताक्षरी एक अक्षर का मंत्र
ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। एक ओंकार, एक अक्षर का मंत्र। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः तेजो वार मृदाम विनमयो, जो सब उसी से है, सृजित कल्पित उसी से लय है इसमें। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, आदि कवय वो इसका कवि है, वो इसका रचनाकार है। उस सत्य को धारण करें अपनी बुद्धि में। धामना स्वेन सदा निरहस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। सत्य व्रत धारण करो, सत्य व्रत, सत्य व्रतम सत्य परम त्रि सत्यम, सत्य ही व्रत है, सत्य बहुत बड़ा व्रत है। उसका व्रत सत्य है, उसका होना सच है, उसका अस्तित्व कोई और नहीं, वो उसके अस्तित्व में सत्य ही है। गीता सुना रहे हैं भगवान अर्जुन को, ओम श्री परमात्मने नमः। कितनी अद्भुत बात है कि गीता धृतराष्ट्र के मुख से निकल रही है आरंभ में। गीता का जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र बोल रहा है, जैसे मन अंधा लोभी, राज्य के लिए आसक्त, जो अपने पुत्रों को राज्य देने के लिए इस हद तक लोभ में चला गया कि उसे, वो जानता था कि जो लड्डू पांडवों को खिलाए जा रहे हैं उनमें विष है, और जो एक लड्डू बड़ा सा जिसमें भयानक विष है, वो ऐसा विष कि अगर वो जैसी जिह्वा पर जाएगा तो भीम के प्राण चले जाएंगे, भीम जीवित नहीं बचेगा। उस कुचक्र में, उस षड्यंत्र में, उस हत्या की कुत्सित रणनीति में धृतराष्ट्र भी सम्मिलित है। धृतराष्ट्र को पता था कि बहाने से ये अगर लड्डू खिला दिया गया भीम को तो भीम के प्राण चले जाएंगे, लेकिन भगवान उनके साथ थे, भीम के प्राण बच गए। वो जानते थे कि लाक्षाग्रह में योजना बनाकर इनको घेर लिया गया है, अब अर्धरात्रि में इस लाक्षाग्रह में, इस लकड़ी के घर में तैल, घृत, कर्पूर और विविध प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ लगाए गए हैं, एक चिंगारी भर लगनी है, बस एक चिंगारी, एक फुल्लिंग, एक फुल्लिंग, एक स्पार्क, केवल एक स्पार्क होना है, एक हल्की सी चिंगारी चाहिए इस घर को कि कुछ ही पल में घर धो धो करके जल पड़ेगा और जो घर में रह रहे हैं वो राख हो जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। इस तरह से उस लाक्षाग्रह में पांडवों को फंसाया गया था। जानते थे युधिष्ठिर, क्षमा कीजिए धृतराष्ट्र, विपत्तियां कितनी, 12 वर्ष का कठोर कारावास, कठोर वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, जिसमें अर्जुन को वरहनला बनना पड़ा, युधिष्ठिर सचिव बने, उनके दरबारी, नकुल सहदेव को वहां गौओं को और घोड़ों को चराना पड़ा, उनके सेवा में लगना पड़ा, भीम पाचक बने, रसोईया बनना पड़ गया, और ये पट्ट महर्षि याज्ञसेनी कृष्ण जो यज्ञ से उत्पन्न हुई द्रौपदी, वो सैरंधरी बनी, दासी बन गई,
पहले ही दिन ना कह दिया था पटरानी ने, महारानी ने, विराट रानी ने, कि आपके सुकोमल हाथ देखकर, आपके मस्तक का तेज देखकर, आपके देह कांति देखकर, देह दीप्ति नवलता देखकर, आप में अपूर्व ओज देखकर, आप में एक विलक्षण सुगंध देखकर, आपके नेत्रों की आभा प्रभा देखकर, आपकी उपस्थिति भास आभास को देखकर लगता है कि आप इंदिरा से, सची से, इंद्राणी से कम नहीं है। आप देव लगाना लगती हैं, आप सामान्य स्त्री लगती नहीं। इतना तो मैं भी जानती हूं कि आपका कोई प्रारब्ध है जो मेरे यहां दासी बनकर आई हैं आप, ये तो भेद दो ही ना। आपका पति कौन है, आप हैं कौन जो मेरे यहां दासी बनकर आई हैं? ना ना ना, मेरे पैर पैर ना मेरे धोना, नहीं बस मेरे पास रहना, छोटे मोटे काम करती रहना, पर ये तो बताओ आपके पति हैं कौन। द्रौपदी उत्साह में बोल गई, इतना उत्साह उनको नहीं कहना चाहिए था लेकिन उनके मुंह से निकल गया था, उन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं था। द्रौपदी जानती नहीं थी मिथ्या बोलना। महारानी द्रौपदी, कृष्ण प्रिया, कृष्ण की एक प्रकार से सर्वस्व। उद्धव को यह बताया था भगवान ने कि जितना बल मेरे पास है, जो बल मैं रखता हूं, जो ईश्वरीय बल मेरे पास है उद्धव, उतना ही द्रौपदी के संकल्प में बल है, द्रौपदी उतनी ताकतवर है। इसे द्रौपदी में अप्रमेय बल है, वो जितनी ही बलशालिनी है, वो पराम्बा है, जगदम्बा है, भवानी है, जया है, नित्य मुक्ता, सामान्य नहीं है। महाभारत का आधार वही है। तो जब वो दासी बनकर एक साल के लिए वहां गई विराट के यहां, विराट नगर में छुपने के लिए, हमें दासी रख लीजिए, वो समझ गई थी सामान्य नहीं स्त्री, लेकिन पूछने लगी तेरे पति कौन है। आप सौभाग्यवती स्त्री दिख रही हैं, आपके पति कौन है? और द्रौपदी के मुंह से निकल गया कि कौन से एक पति की बात कहूं, मेरे तो पांच पांच पति हैं। किस पति की बात पूछ रहे हैं आप? बड़े की, सबसे छोटे की, बीच वाले की बात बताऊं, किसकी कहूं? पांच पति हैं। संभल गई, उनको लगा भेद खुल जाएगा, संभल गई। विराट रानी ने पूछा तो हैं कहां पति? बोले मेरे पति योजना के अनुसार यही बताया गया था, कहना गंधर्व हैं। युधिष्ठिर ने कहा था कि योजना यही है, द्रौपदी से बार बार पूछा जाए कि पति कौन है तो कहे गंधर्व है, कहीं वो तप कर रहे हैं, समय पर ही प्रकट होंगे। आंखें बंद कर, शीश नवाकर, पैरों में झुककर द्रौपदी ने कहा कि हे देवी, आप राजमहिषी हैं, मैं आपकी अनुचरी हूं, दासी हूं, मैं तो सेविका हूं, मेरे सतीत्व की रक्षा कीजिए, मेरे तेज की रक्षा कीजिए, मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा कीजिए, मुझसे मिथ्या कोई वचन न बोल दूं मैं, कुछ ऐसा न कर दूं कि मेरे पति पर कोई फिर से संकट आ जाए। अब मत पूछना कि मेरे पति कौन है, पर एक नहीं पांच पांच हैं और सब तप में हैं, तपस्या में। और आप बोली मेरा भाग्य ये है कि मुझे सेवा मिली है आप जैसी सन्नारी की। इतना कष्ट सहा, वरहनला बनकर अर्जुन नाच गाना सिखा रहे हैं, कीचक आ गया था कुदृष्टि डालने के लिए, परेशान हुई थी, व्यथित हुई थी। दुर्वासा ने एक बार कहा था ये सूर्य मंत्र है और ये तत्काल फल देगा, तत्काल यानी इस मंत्र को बोलते तेरी सारी विपत्ति चली जाएगी। जब कीचक उसका बाह पकड़ने के लिए हठात बलात् अपने अंक की ओर खींच रहा था, तब सूर्य मंत्र याद आ गया, द्रौपदी ने सूर्य का आह्वान किया अर्धरात्रि में भी, और सूर्य उसके तेज में प्रकट हुए, हल्का सा धक्का दिया द्रौपदी ने, यह कि अगर मूढ़ मुझे स्पर्श करता है, और वो कई पटकनियां खाते हुए कीचक रक्त वमन करने लगा, भयभीत हो गया था कीचक,
कि स्त्री में इतना बल हो ही नहीं सकता, स्त्री में इतनी सामर्थ्य कभी नहीं हो सकते कि मुझे मुझकी चक को यह हल्का सा ऐसे धक्का दे और मैं कितनी पटकनियां खाते हुए और मैं तिनके की तरह से रुड़कता गया और मेरा मुझ में से रक्त बहने लगा, मैं रक्त वमन कर रहा हूं, मेरे मुझे खून की उल्टी हो रही है, ये है कौन? कुछ देर के लिए तो भयभीत हो गया था और बाद में उसने कहा था सावधान तू मेरी बनकर रहेगी। और तब भीम को उसने कहा था तब तक तो लगभग दिन पूरे हो गए थे, तीन ही तो दिन रह गए थे, केवल तीन दिन। भीम से रहा नहीं गया, उसने हुंकार भरी, रात में उसका वध किया, चौराहे पर लटका दिया उसको कि भले अब कुछ भी हो मैं अपनी पत्नी के तेज और उसके सत्यत्व पर आंच नहीं आने दूंगा। उन तीन दिनों में आवाज गई, बात गई और पता लग गया कि वो पांच पति कोई और नहीं, यहीं रह रहे हैं इसी नगर में। धर्म के लिए क्या क्या नहीं सहा उन्होंने। शव ढूंढे जा रहे हैं, शकुनी का तो शव मिला ही नहीं था, बहुत दिन के बाद शकुनी का शव मिला था, खून से लथपथ, विक्षिप्त अवस्था में, क्षत विक्षिप्त अवस्था में मिला दुशासन का शव। दुर्योधन के वक्षस्थल पर वज्र प्रहार करते हुए, अपने पद प्रहार, मुष्टिक प्रहार, गदा प्रहार करते हुए, जब उसके वक्षस्थल से इसके यहां से वक्ष से छाती से जब लहूधार बहने लगी तो भीम पी रहा था उसका लहू। उसने शपथ खाई थी कि पूरे जीवन भर प्यासा रहूंगा, पूरी प्यास तभी मिटाऊंगा जब तेरी छाती का मैं खून पीऊंगा। कितने भयानक प्रतिज्ञाएं थी। द्रौपदी उस रक्त को बार बार छीन रही है कि जरा थोड़ा सा मुझे भी इसका रक्त दे के अपने बाल सींच सकूं, क्योंकि मैंने भी तो शपथ खाई है कि दुशासन दुर्योधन के द्वारा मेरे ये रजस्वला काल में छेड़ी गई मेरी ये शिखाएं और मेरी वेणियां जो उन्मुक्त होकर मैंने खोल दी हैं, उन्मुक्त मेरे केश तभी बंधेंगे जब इसका मैं रक्त ले लूंगी। कैसी कैसी प्रतिज्ञाएं थी दुर्योधन के लिए। भयानक युद्ध हुआ था। विधवाओं को लेकर विदुर जी चले गए थे गंगा के तट पर, कृष्ण गए थे वहां, कुछ था ही नहीं साग के अलावा। उस जगह पे एक दो बार मेरा दो तीन बार जाना हुआ, एक साधक ने वहां मंदिर बनाया, मुझे जाना पड़ता है वहां साल में एक बार उस आश्रम में रहने के लिए, गंगा के किनारे विदुर कुटीर बिजनौर। मैं चकित हूं ये जानकर कि महाभारत काल का साग अभी भी वहां जीवंत है, अभी भी है, हर ऋतु में वो साग होता है, उसे बथुआ कहते हैं, अभी भी। कैसी कैसी चीज आज भी है, वो हस्तिनापुर देखो, खांडव प्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, इतना सुंदर। दोनों सेनाओं के मध्य में कृष्ण और गीता आरंभ हुई है, जैसे मानो धृतराष्ट्र के मुख से, और कहता है धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सव मामका पांडवा शैव किम कुर्वत संजय। मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है, संजय देख तो सही, बताना हो क्या रहा है। उत्तर देना आसान हो गया संजय को, अब संजय को उत्तर देना बहुत सुगम हो गया है, क्योंकि प्रश्न भी वैसा ही है, बड़ा आसान सा प्रश्न है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, ये नहीं कह रहा है धृतराष्ट्र रणक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समरक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युद्धक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। प्रश्न क्या है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, जो इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्र धर्म क्षेत्र में, वहां हो क्या रहा है। संजय ने कहा जब आपने ये कह दिया कि धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है,
तो हे राजन, धर्म क्षेत्र में धर्म ही जीत रहा है, अधर्म हार रहा है। आपके पुत्र हार गए। पांजन्य के भैरव स्वर को सुनकर हाथी चिंघाड़ रहे हैं, कौरवों के घोड़े हिनरा रहे हैं, कौरवों के निस्तेज हो गए। पिता में भीष्म आचार्य तरुण भयभीत हो गए, थर थर कांप रहा है कर्ण और बलहीन हो गया है दुर्योधन। अभी तो संखी बजा है, युद्ध हुआ कहां है, तो जीतेगा कौन? सत्यमेव जयते, हे राजन सत्य जीतेगा। कौन राज्य भोगेगा? वीर भोग्या वसुंधरा, वीर इस वसुंधरा को भोगेंगे। और जय किसकी होगी? यतो धर्मस्ततो जय, धर्म जीतेगा। एक एक करके सब हता धराशायी हो गए थे। भगवान ने स्वयं उपदेश दिया था अर्जुन को। कुसुधीजन कहते हैं युधिष्ठिर को क्यों नहीं दिया? युधिष्ठिर तो धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, क्यों नहीं दिया? ये पहले उपदेश अगर युधिष्ठिर को मिल गया होता तो दिशा बदल गई होती। क्यों जुआ खेलते? बोले अति प्रीत थी युधिष्ठिर की, छोटा मानते थे, कृष्ण को अपना भाई मानते थे, थोड़ा सखा मानते थे। हाँ, ये तो पता था कि ईश्वर है, लेकिन संबंधी मानते थे, छोटा भाई, मेरा छोटा भाई अनुज मानते थे युधिष्ठिर। ये स्वामी मानता था, मुझे बहुत हौले से धीरे से आपसे बात सरकानी है। आपके गुरु या संत महापुरुष या बड़े विद्वान आपसे बहुत प्रीति करते हो, उनकी आपको निकटता मिल गई हो, तो भी उनके प्रति आदर कम मत करना, उनके सत्य से परिचित रहना। कई बार गुरु और संतों की, आचार्य ऋषि मुनियों की, महापुरुषों की निकटता मिलने के बाद हम बिल्कुल अपने जैसा ही उन्हें मानने लगते हैं, बिल्कुल वैसा ही मानने लगते हैं, हमारे जैसे हैं, हम वैसे ही संवाद करने लगते हैं, वैसे ही हमारा स्वभाव, वैसा ही दृष्टिकोण, बहुत फ्रेंडली ट्रीट करने लगते हैं हम उनको। ऐसा मत करना, उनको समझना कि वो क्या है, अन्यथा तो बड़ी हानि होगी। युधिष्ठिर ऐसे ही रखता था, युधिष्ठिर में कभी ये बात आई नहीं कि ये भगवान हो सकते हैं, लेकिन वो लाभान्वित नहीं हो सके। तो भगवान को ही लगा कि मुझसे तो लाभान्वित होगा नहीं, तो मैं किसके पास ले चलूं इसे? तो भगवान ही युधिष्ठिर को ले गए पिता में भीष्म के पास। और फिर आप जानते हैं कि पिता में भीष्म ने उपदेश दिया, और इस संसार का सबसे बड़ा उपदेश मिला विष्णु सहस्त्रनाम के रूप में युधिष्ठिर को पिता में भीष्म के द्वारा। और कोई एक बार विष्णु सहस्त्रनाम कर ले तो सब प्रकार के पाप ताप संताप मिट जाते हैं और भक्त भगवान में ही लीन हो जाता है। इतनी सामर्थ्य का वो उपदेश, इतनी सामर्थ्य की स्तुतियां हैं विष्णु सहस्त्र। महाभारत का तो कौन वर्णन करे, पंचम वेद है। लेकिन हां, परीक्षित की चर्चा आती है। परीक्षित का एक अर्थ सीधा साधा, आप यहां सब विद्वान महापुरुष बैठे, परीक्षित का अर्थ है जिसकी परीक्षा हो गई। एक है अपरीक्षित, एक है परीक्षित। जैसे मान लो सोना, तो सोने की कई बार परीक्षा ली जाती है। जो ज्वेलर्स हैं, ज्वेलर्स हैं, जो सुनार हैं, उसे घिसेंगे, रगड़ेंगे, तपाएंगे, कूटेंगे, पीटेंगे, लो सोना माने सोना। कई बार सोने को बड़ा अच्छा लगता है, कितने तपाओ, तो और तपकर उसकी जो उसमें बिलग, जो कुछ सही नहीं है, जो है और निंदनीय है, तयाज्य अग्राही है, अमान्य अपूज्य है, वो अलग हो जाता है। सोना तो सोना ही रहता है। परीक्षित करते हैं जो परीक्षा में पास हो गया, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है। अपरीक्षित करते भी इसकी परीक्षा होनी है। एक परीक्षित, एक इसका अर्थ और है,
जो पराशक्तियों के द्वारा अभिरक्षित है, जो पराशक्तियों के द्वारा रक्षित है, परासत्ता ने जिसकी रक्षा का व्रत लिया हुआ है उसे परीक्षित कहते हैं। आपको सुंदर सी कथा सुनाते हैं। जब बहुत व्याकुल हो गई ये सारी देवियां, एक साथ बहुत सी सास दिखाता हूं मैं आपको, एक साथ सारी सास बैठी हुई बहुओं के सामने, एक बहू उसके सास की सास की सास की सास की सास, एक सांस में इतनी सास, उत्तर की सास कल्पना करके दे, उत्तरा की सास, सुभद्रा आदि उनकी सास, अंबिका अंबालिका उनकी सास, सत्यवती आदि इतनी सास बैठी एक साथ। भगवान से कहा था कुंती ने कि आपने हमारी रक्षा की है, लेकिन मुझे एक बार ऐसा लगता है कि जो हमारा बीज होगा पांडवों का उसकी भी आप रक्षा करेंगे। और तब भगवान ने वचन दिया था कि हाँ मैं उसकी रक्षा करूंगा, पर शर्त यह है कि मुझे बुलाया जाए, बताया जाए, मुझे याद कराया जाए, तब करूंगा। तो अपनी सारी बहुओं को एक मंत्र सिखाया था, इस मंत्र से कोई विपत्ति नहीं आएगी, बस ये मंत्र याद रखना है। मिलकर बोलो, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र करती थी वो सारी देवियां, और फिर कोई कष्ट आया नहीं। कष्ट तो आए, लेकिन सम्मान, स्वाभिमान, पवित्रता, उनकी निजता, उनका गौरव, धर्म उनका बचा रहा। विपत्ति में जिसे संभाल कर रखा जाता है वह है धर्म, शील, संयम, सदाचार, नैतिकता, पवित्रता, यही तो बचा के रखी जाती है। संपत्ति जाए जाए। अश्वत्थामा ने जब शस्त्र फेंका, ब्रह्मास्त्र, तब ये जप रही थी उत्तरा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, तो अस्त्र आया और खंडित हो गया, परीक्षित के प्राण बच गए। भगवान ने वचन दिया, परीक्षित का जन्म हो गया। महातपो तप्पे माना परिमिता राय कांत शैली जना अंध बगिरा कृति। युधिष्ठिर में वैराग्य जग गया। युधिष्ठिर ने कहा अब ये परीक्षित ही रहेगा राजा और मैं चला हिमालय। कहा नहीं अपने भाइयों से, आप चलोगे क्या साथ? भाई चल पड़े। या तो इतने बड़े बन जाओ कि दुनिया आपके पीछे चले, या फिर इतने श्रद्धावान बन जाओ कि बड़ों के पीछे पीछे चलो, पीछे पीछे चलो, या तो गुरु बन जाओ कि फिर दुनिया आपके साथ चले, पीछे चले। पर हमने तो गुरुओं को भी देखा है, वो भी अपने गुरुओं के पीछे चल रहे हैं, गुरुओं के पीछे चल रहे हैं। महाजनो येन गता सपन्था, रास्ता कौन सा है जिधर से महापुरुष गए? उन्हीं का अनुसरण करो, उन्हीं का अनुगमन करो, उन्हीं का अनुशीलन करो, बस जस्ट उनको फॉलो कीजिए। और युधिष्ठिर को फॉलो करने लगे वो, युधिष्ठिर इधर परीक्षित का राज्य, युधिष्ठिर और उनके भाई सब गए स्वर्ग में, और इधर राज्य परीक्षित, परीक्षित के पास। बत्तीस वर्ष तक कलयुग प्रतीक्षा करता रहा, 32 साल तक कली प्रतीक्षा करता रहा, ऐसा राज्य परीक्षित का। अनेक अश्वमेध यज्ञ किए, अपनी वाणी से सबको अधीन कर लिया, अपने स्वभाव से, शील संयम सदाचार से, अपनी नैतिकता से, पूरी सृष्टि के प्राणी उनके अधीन हो गए केवल वाणी से। वाणी का व्यवहार बड़ा अद्भुत है, आपकी वाणी पता नहीं कितने काम ठीक कर देती है। अगर वाणी में विनम्रता है,
माधुर्य है, सत्यता है, प्रियता है, अपनापन है, उसमें छल नहीं है, उसमें कपट नहीं है। हमारा तो कोई सीधा सीधा इतना क्या नाता है कोयल और कागा के बीच में, पर कोयल की बातें अच्छी लगती हैं और कागा का स्वर उतना कर्कश है ये जानकर उसे हम नकार देते हैं। कौवा और कोयल की दोनों बातें सुनी जाएं तो अचंबा ये है कि कोयल विरह के गीत गाती है फिर भी अच्छा लगता, और कागा संयोग के स्वर बोलकर भी बेचारा प्रिय नहीं है। जानते हो कागा कौन है? जो हमारे पितरों के मन को पढ़ लेता है, अतिथि के आगमन की आहट जिसे पहले सुनाई देती है वो कौवा ही तो है। हमारे मुंडेर पर आकर अतिथि के आगमन की सूचना देता है, पर स्वर अच्छा नहीं है इसलिए कंकड़ी मारकर बच्चे भगा रहे हैं उसे। स्वर अच्छा कीजिए, अच्छा बोलिए, बोलना सीखिए, समय पर बोलना सीखो, अच्छा बोलना सीखो, कम बोलो, तोल मोल के बोलो, सोचकर बोलिए, और अगर आपका बोलना ठीक है तो सच मानिए जीवन ठीक हो जाएगा आपका, वाणी अगर आपके ठीक है। जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, ये किसी ने लिखा है, ये पंक्ति किसी अच्छे व्यक्ति की है जिसने लिखा है, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए, मुक्तसर बोलिए, सोच समझ के बोलो। और परीक्षित ऐसे ही बोलते थे, मधुवाता रितायत मधु क्षरंति सिंधव। वेद मंत्र कहता है कि आपकी वाणी में मिठास हो, माधुर्य हो, लगे कि पुष्प की सुवास आपकी वाणी में है। ऐसे राजा परीक्षित ने अपने वाणी व्यवहार से ही पूरी धरती को जीत लिया, अपने संयम सदाचार से, अपने चरित्र बल से। 32 वर्ष तक कलि प्रतीक्षा करता रहा। कहते हैं कलि का आगमन हुआ इस रूप में कि जब राजा ने मस्तक पर मुकुट पहन लिया, जरासंध का किंचित मति भ्रम हो गई और कलि का प्रवेश हुआ। हिंसा में, व्यभिचार में, अनीति के स्वर्ण में, इस रजोगुण में ऐसे कलि प्रवेश कर गया। ऊपर से ही आता है भ्रष्टाचार, यथा राजा तथा प्रजा। बड़े लोग ही कुछ ऐसा अनुचित करते हैं तब वो सब में आ जाता है, नीचे से कभी भ्रष्टाचार नहीं जाता। ऊपर में कोई लालच होगा तभी नीचे वाला कोई व्यक्ति आपके लालच के वशीभूत अनेक प्रकार के मार्ग निकाल लेगा। कली के वशीभूत उन्होंने विभांडक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मति भ्रम हो गई। इति लंगित मर्यादम तक्षक सप्तमे हलि। विभांडक ऋषि ने शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया। इति लंगित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। जब राजा, बड़े लोग, उच्च पदस्थ ही भ्रष्ट हो जाएंगे तब प्रजा का क्या होगा? इस प्रकार से कलि का आगमन हुआ। रानी अट्टालिकाओं पर थी, माथे से पसीना बहने लगा, मांग का सिंदूर बहकर नीचे गिरने लगा, बिंदी गिर गई, हाथ की चूड़ियां चटक कर टूट गईं। अपशगुन देखकर रानी भयभीत हुई, घबराई रानी। रानी को लगा कि मेरे पति से कुछ अपकर्म हो गया, दुष्कर्म हो गया, मेरे पति ने कोई पाप कर्म किया है, अन्यथा तो ऐसा ना होता। कुछ थोड़ी देर में धूल धूसरित राज आंगन दिखाई दिया, घोड़े पर चढ़कर लौट रहा था राजा। रानी से कहा उसने, मेरे मस्तक पर जैसे मानो पहाड़ है ऐसे उतार ले रानी, ये मुकुट नहीं है पहाड़ है। राजा ने जरासंध का मुकुट पहन रखा था तो मति भ्रम हो गई, भ्रष्ट हो गई मति। मुकुट उतारा तो राजा को स्मृति आई कि वो संत का अपमान करके लौटा है, बड़ा पाप करके लौटा है। उसी समय व्रत लिया कि मैं राज्य त्यागता हूं, संपदा का त्याग करता हूं, अब मुकुट मेरा नहीं, ये राज्य मेरा नहीं, ये धन संपदा मेरी नहीं। कितना बड़ा प्रायश्चित किया राजा ने कि मैं राज्य का त्याग करता हूं, जब तक मैं सही प्रायश्चित नहीं कर लूंगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, मैं फल भी ग्रहण नहीं करूंगा,
मैं देह का त्याग कर दूंगा, लेकिन मैं प्राश्चित करूंगा, पूछूंगा कि क्या प्राश्चित करना चाहिए। पहुंचे ऋषि के पास, तब तक तो बड़ा समूह ऋषि के आसपास बैठ चुका था। शमी का मौन भंग हुआ, उन्होंने कहा मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, सातवें दिन के बाद आपको मृत्यु के रूप में तक्षक आपके पास आएगा, आपको डसेगा, आपके प्राण चले जाएंगे। व्यथित होकर राजा गंगा के तट पर बैठ गया कि एक बार मेरे प्राणों की रक्षा की अस्त्र फेंककर हे कृष्ण आपने अश्वत्थामा के अस्त्र से बचाया, अस्त्र फेंककर जब अस्त्र मेरे प्राणों को लेने आ रहा था, अब कोई साधु श्राप दे रहा है, तो आप वरदान बनकर आ जाइए, मेरे जीवन में गुरु बनकर आ जाइए, इन शब्दों से मेरी रक्षा कीजिए। अस्त्र से रक्षा की आपने, अस्त्र फेंककर सुदर्शन चक्र के द्वारा, और अब किसी ने श्राप दिया है तो आप वरदान बनकर आ जाओ। ऐसे वो गंगा के तट पर गुरु का ध्यान करने लगे, हे कृष्ण अब तू गुरु बनकर आ, समाधान बनकर आ। और उसी समय रोक नहीं पाए सुखदेव मुनि, उन्हें भगवत आज्ञा हुई और वो परीक्षित के पास पहुंच गए। जैसे प्राची से सूर्य निकले तो अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है, तारे छिप जाते हैं, ठीक वैसे ही गुरु के आगमन पर राजा प्रसन्न हो गया। उत्तत्य देवल, अंगिरा, गौतम, चवन, भारद्वाज आदि सभी ऋषियों ने उठकर सुखदेव मुनि का वंदन किया। सुख की उपस्थिति को देखकर और तो और महर्षि वेदव्यास भी प्रहर्षित हो गए, और उनके भी पिता जमदग्नि हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि आप मेरा कल्याण करें। अथ प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं हे गुरुदेव, जब मृत्यु निकट हो तो क्या करना चाहिए? जो आप सामान्य तो गुरु हैं नहीं, परमं प्रधानं, आप तो प्रधान हैं। अथ प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं। परीक्षित को लगा कि इन्हें देखकर तो सभी प्रणाम कर रहे हैं, जितने गुरु मैंने देखे आज तक वो सभी इनके आगे शीश झुका रहे हैं। अरे देखो तो सही, महर्षि वेदव्यास खुद खड़े हो गए देखकर अपने पुत्र को, उनके भी पिता आदि, ये कितने महान होंगे। परमं गुरुं, कोई रास्ता बताइए। और तब उनके मुंह से निकल पड़ी कथा। ये पहला दिन था, पहले दिन हमारा मन कह रहा था इतने प्रसंग सुना दिए जाएं कि कल से फिर कथा नक आरंभ हो सके, और मर्यादा के अनुसार पहले दिन की कथा इतनी सुनाई जाती है। आप सभ्य शिष्ट संस्कारवान साधक हैं, इस नगर में अनेक कथाएं हुई हैं, इस नगर में यहाँ के सभ्य साधक अनेक अनुष्ठान करते हैं, हमारे पूज्य रामकिशोर दास जी महाराज और अनेक जो संत बैठे हैं उनके संरक्षण में, उनके निर्देशन में, उनके पावन सानिध्य अथवा उनकी प्रेरणा से आप अनेक अनुष्ठान, व्रत, नियम, जप और साधन व्रत कर रहे हैं। अन्य अपने गुरुओं की प्रेरणा से आप भाग्यशाली हैं। सागवाड़ा में आकर मुझे अच्छा लग रहा है। कल हमारे कोई साधक बता रहे थे कि इस पूरे बागड़ की धरती पर मुझे बांसवाड़ा, तलवाड़ा कथा करने का अवसर मिला। बांसवाड़ा में लगभग 3 कथाएं, तलवाड़ा में और लीजिए अब सागवाड़ा में। तो ये बागड़ की धरती जो भीलों की है, संस्कारवान साधकों की धरती है, सत्पुरुषों के मार्गदर्शन में चलने वाली, आप जैसे अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले मुमुक्षु सत्य पिपासुओं की धरती है। यहाँ आकर बहुत ही आनंद हुआ है। पहला दिन था, थोड़ा रूपक बांधना था, भूमिकाएं बांधनी थी। साधकों को देखकर मन शास्त्र में चला जाता है, जैसे साधक जैसे जिज्ञासु वैसी उस प्रकार की अभिव्यक्ति कभी कभी प्रकट होती है। संतों के सानिध्य में बैठे इसलिए बहुत संयत मर्यादित होकर
कथा में रहने का मेरा व्रत बना है। भारतीय कालगणना के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है उस दिन नया साल होता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, उसे गुड़ी पड़वा कहते हैं। तो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को संवत का प्रथम दिन होता है, उसी को नूतन वर्ष अथवा संवत कहते हैं, नया साल कहते हैं। अब मैं देश विदेश में घूमता हूं, पिछले 35 साल से मैं अमेरिका और यूरोप की यात्रा कर रहा हूं, इंग्लैंड की यात्राएं, हवाई जहाज में बैठना होता है और इस प्रकार के व्यवहार करने होते हैं कि किस तरह से कौन से अंक गणित करें। बहुत प्रयास है हमारे वैदिक गणित का, मैं निरंतर भारतीय संस्कृति और उसके विचार के अधीन ही रहता हूं। पर अब सन और ईस्वी के कारण ये देखिए, कुछ लोग ये आंगल कालगणना तो कर ही रहे, तो आंगल कालगणना के अनुसार ये भी एक नया साल है। तो आज भी एक प्रकार से आंगल मतानुसार ईस्वी और सन के हिसाब से देखें तो लीजिए 2023 गया और आज है 2024 का पहला दिन। तो इस प्रकार से नया दिन, नववर्षम, नवहर्षम, नवोल्लास, नवप्रीत, नवाचार, नव उमंग, नूतन तरंग। कितने भाग्यशाली हैं कि 2023 गया और 2024 का दिन आया, आंखें खुली और हम कथा में बैठे हैं। तो एक प्रकार से ये सन के हिसाब से, साल का इस क्रम के हिसाब से जो पहला दिन है वो शुभ कर्मों के साथ बीत रहा है, संतों के सानिध्य में बीत रहा है, हरि चर्चा और हरि भजन में बीता है। भगवान की कथा प्रवाहित हुई, ये वर्ष आपके लिए कल्याणकारी हो, शुभ कर्म कर सके हम, नए कीर्तिमान गढ़ सके हम, जो हमें और अच्छा करना था उसे कर सके हम, ऐसी बहुत सी शुभकामनाओं के साथ कल पुनः प्रस्तुत होंगे आपके बीच में समयानुसार। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य संतों की उपस्थिति से मैं अत्यंत प्रहर्षित उत्साहित हूं। पूज्य संतों की उपस्थिति को मेरे सहस्त्र प्रणाम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम मां त्रिपुर सुंदरी के श्री चरणों में बैठ के हम पूज्य सद्गुरुदेव के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य और प्रथम दिवस की कथा श्रवण कर रहे थे। कथा के अनंतर आरती के लिए मैं मेड़ता पीठाधीश्वर पूज्य महंत श्री राम किशोर जी महाराज, पूज्य संत श्री रामनिवास जी महाराज शास्त्री जी उत्तराधिकारी मेड़ता पीठ, पूज्य संत श्री राम प्रकाश जी महाराज बड़ा राम द्वारा बांसवाड़ा, मुख्य यजमान आदरणीय ईश्वर लाल जी सरपोटा जी एवं सब परिवार, श्री लक्ष्मीकांत त्रिवेदी जी बांसवाड़ा सपरिवार, श्री विकास राज जी माननीय विभाग प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं श्री धनराज जी विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश प्रमुख, आप सभी का आह्वान करता हूं कि मंच पर आए और श्रीमद् भागवत की आरती करें। पंचम देवी।
जब ज्योति जगाए।